नमस्कार सभी को। और आज तीसरा लेक्चर है आपका बिपिन चंद्रा का, जिसमें बतलाया जाएगा कैसे जो यूरोपियन थे उनका आगमन कैसे हुआ, द बिगिनिंग ऑफ यूरोपियन सेटलमेंट इन इंडिया के बारे में पूरा का पूरा क्लास होगा। इसके प्रीवियस जो भी दो क्लास हुआ है उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किन कंडीशन में यूरोपियनों का आगमन हुआ था, कैसे जो सबसे बड़ा यहाँ का शासन व्यवस्था मुगलों के द्वारा चलाया जा रहा था कैसे उसका पतन होता है, भली भांति आप समझ गए थे। कैसे औरंगजेब के द्वारा जो चीजें लाई जाती है जिससे मुगल वंश लगातार जो है कमजोर होते रहता है, मुगल वंश कमजोर होने के बाद पूरा का पूरा जो भारतीय उपमहाद्वीप रहता है वहां पे ऊहापोह की स्थितियां होती है, और कैसे नए नए साम्राज्य जो है बन करके निकलते हैं, उनमें क्या कमियां होती है, और कैसे एक मौका मिल जाता है फॉरेन से आए हुए यूरोप से आए हुए देशों को कि हम लोगों के पास में आ करके अपना शुरू में ट्रेड को आगे इंक्रीज करते हैं, और धीरे धीरे पूरा का पूरा इतना बड़ा जो हमारा कंट्री है कैसे उनके गिरफ्त में आ जाता है, कैसे हम गुलाम हो जाते हैं। समझना पड़ेगा आपको कि किन कंडीशन में जो यूरोपियन थे उनका यहाँ पे आगमन होता है, कैसे उनका फैलाव होता है, उसी पे यह क्लास है। गहन अध्ययन का विषय है यह कि आप इसको जानिए समझिए कि कैसे एक कंपनी ने आकर के हमारे देश को गुलाम बनाने का काम किया है। जरूर इसको आपको समझना पड़ेगा। नॉर्मल सा आप अगर आप इतिहास से नहीं सीखते हैं तो आपका जो आने वाला भविष्य है उसमें भी ऐसी चुनौतियां हमेशा बनी रहेंगी। तो आज का जो क्लास है एडवेंट ऑफ यूरोपियन का क्लास है, यूरोपियनों का आगमन का क्लास है। भली भांति आपको इसको समझना है और जानना है कि किन कंडीशन में ये जो चीजें हैं हो करके सामने निकली है। अगर हम लोग देखें कि सबसे पहले द बिगिनिंग ऑफ यूरोपियन सेटलमेंट्स, अगर बात किया जाए यूरोपीय बस्तियों की जो शुरुआत है उसके बारे में आपको यह क्लास है। सबसे पहले हम लोग चलेंगे परिचय के तरफ, इंट्रोडक्शन के तरफ हम लोग चलने का काम करेंगे, और धीरे धीरे करके इसको समझने का भी काम करेंगे। आप मेरे साथ शुरू कर चुके हैं देखना यूरोपीय बस्तियों की भारत में शुरुआत। अगर हम लोग बात करें कि अगर आप इसको अच्छे से देखते हैं, देखने के बाद अगर आप जो थर्ड चैप्टर है बिपिन चंद्रा का उसके थ्रू आप गो थ्रू हो जाते हैं, एक बार पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें आसान लगेगी, समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसान होगा। सभी का स्वागत है, सभी को गुड आफ्टरनून। आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं, मेरा नाम हुआ अमित कुमार सिवांस, और चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, व्यापार की पृष्ठभूमि के बारे में चलें। तो देखो जैसे कि हुआ क्या था कि हमारा जो देश है, अगर आप एंशियंट में भी देखें चाहे मेडाइवल में भी देखें, जो यूरोपियों के साथ में जो व्यापार था वो कुछ नई बात नहीं थी, वो प्राचीन काल से ही चलते आ रहा था। सबसे पहले आपको ये बात को समझने के लिए है कि यह कुछ भी नया नहीं था। इंडिया जो का जो रिलेशन रहा है यूरोप से ट्रेड के लिए वह कुछ भी कहीं से नया आपको होता हुआ नहीं दिखाई देगा। मध्य युग के दौरान यूरोप और भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के बीच व्यापार संबंध के आपको जो प्रमाण है आपको सब जगह से मिलता है। अगर आपने पढ़ा होगा एंशियंट, अगर आपने मेडाइवल पढ़ा होगा तो हम लोगों का बहुत पहले से ही यूरोप से जो व्यापार की जो स्थितियाँ थी वह बनी हुई थी। लेकिन नया क्या कुछ होता है यही जो ये चैप्टर है आपको बताने का काम करेगा। तो चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन यहाँ से शुरुआत करते हैं, परिचय इसी से शुरुआत होता है कि कुछ नया क्या होने वाला है, क्यों जो पहले से ही व्यापार जो चलती आ रहा है अभी भी व्यापार की स्थितियां आगे बढ़ रही है, बट फिर भी उसमें नया क्या कुछ है, नयापन क्या है, क्यों हम लोग इसको जो है मॉडर्न में पढ़ने का काम करते हैं। इस बात को अगर आप माइंड में बैठा करके इस टॉपिक को शुरुआत करेंगे तो आपको टॉपिक का चैप्टर का हर एक पैरा आपको आंसर देगा कि क्यों यह नया था और क्यों हम इसको मॉडर्न में पढ़ने का काम करते हैं। अगर हम लोग आगे बढ़ें और मैप के माध्यम से देखें तो आपको समझ में आ रहा है कि जो भी यूरोपियन सेटलमेंट होंगे आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो तटीय रीजन जो होता है, जो कोस्टल जो क्षेत्र है वहीं पे होता है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि शुरुआती में एंशियंट टाइम में हो चाहे मेडाइवल टाइम में हो, जो ट्रेड हुआ करता था वह नॉर्मली अगर देखा जाए भूमि के माध्यम से होता था, और जब मॉडर्न में हम लोग जैसे ही पहुंचते हैं वहां पे अगर हम लोग देखने का काम करते हैं कि जो ट्रेड है, ट्रेड जो है आपका ओशियन के रास्ते से जल मार्ग से होना शुरू हो जाता है। और इसका जो आपका प्रमाण देखिए, सूरत आप देखते हैं, सूरत हो गया, इसके बाद दमन हो गया, बसाई हो गया, बॉम्बे हो गया, गोवा हो गया, अगर बात करते हैं तो कन्नौर हो गया, माहे हो गया, कालीकट हो गया, कोचीन हो गया। अगर हम लोग इस साइड में भी देखते हैं तो यहाँ पे देखिए कलकत्ता हो गया,
सब जो अगर जो जो विशाखापट्टनम है यहाँ पे, यनम यहाँ पे है, मसूली पट्टनम आपको दिख रहा है इस साइड में, आगे बढ़ करके देखेंगे तो पुलिकट जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है, पौंडीचेरी जो है, नागापट्टनम जो है, सभी का सभी जो भी रीजन जो है, जो सेटलमेंट है, चाहे वह इंग्लिश सेटलमेंट हो, चाहे वह फ्रेंच सेटलमेंट हो, चाहे वह डच सेटलमेंट हो, चाहे डैनिश सेटलमेंट हो, सभी का सभी सेटलमेंट जो आपको दिख रहा है, सभी का सभी कोस्टल रीजन में ही आपको सेटलमेंट देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि अब जो उनका आगमन हो रहा है वह मेनली कहाँ से हो रहा है दोस्तों? वाटरवेज से हो रहा है। वह मेनली कहाँ से हो रहा है? तो समुद्री मार्ग से जो है व्यापार होना शुरू हो जाता है। अगर हम लोग बात करें स्थल मार्ग का, लैंड रूट्स का बात करें, तो बहुत पहले से ही हम लोग एंशियंट टाइम से ही, मेडाइवल टाइम से ही यूरोपियन कंट्री के साथ में जुड़े हुए थे। नया यही है, आपको जब बोला गया कि हर एक पैरा जो है आपके बुक का आपको आंसर देगा कि हम लोग क्यों दोबारा पढ़ते हैं यहाँ पे, और इसी आंसर का तलाश करेंगे, और क्लास के लास्ट में ये जो डाउट है कि हम लोग क्यों इसको यहाँ पे पढ़ने का काम करते हैं, जब ये जो पूरा का पूरा ट्रेड पहले से हो रहा था, तो बार बार हम लोग इस चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं? एंशियंट में भी पढ़ रहे हैं, मेडाइवल में भी पढ़ रहे हैं, मॉडर्न में भी क्यों पढ़ रहे हैं? अलग अलग पढ़ने का जरूरत क्या था? इसी बात को अगर आप दिमाग में रह करके पढ़ते हैं तो ठीक है। चलिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो सबसे पहले पहला फारस की अगर देखें, पहला कैसे समुद्र का जो रास्ता है उसको हम लोग देखने का काम करेंगे। पहला जो है अगर द फर्स्ट वाज सी अलोंग द पर्सियन गल्फ एंड फ्रॉम देयर ओवरलैंड थ्रू इराक एंड टर्की एंड देन अगेन बाय सी टू वेनिस एंड जिनोवा। अगर हम लोग बात करें कि जो रास्ता, जो हम लोगों का जो ट्रेड का जो रास्ता था, वह ट्रेड का रास्ता कैसे निकल करके आ रहा है, तो सबसे पहले जो है फारस की खाड़ी के साथ, समुद्र के साथ जुड़ा हुआ है, वहां से हम लोग इराक, इराक के बाद तुर्की, और इसके बाद फिर समुद्र के माध्यम से वेनिस और जिनेवा को हम लोग कनेक्ट करते हैं। इसको आपको समझना पड़ेगा कि क्या वे रहा है। सबसे पहले अगर आप निकलिएगा तो पर्सियन गल्फ में जाइए, पर्सियन गल्फ से अगर आप बाहर निकलते हैं फिर इराक और तुर्की होते हुए इसके बाद अगेन जो है सी में जाइए और वेनिस और जिनेवा को आप क्या कर सकते हैं, तो वहां पर आप जाने का जो रास्ता है, ये रास्ता है आपको समझना पड़ेगा कि इस मैप को समझिएगा कि जब इंडिया से व्यापार होना शुरू होगा तो किस रास्ता से जो व्यापार है वह होना शुरू होगा, इसको आपको समझ लेने के लिए। अगर हम लोग बात करें, पहला तरीका यह है यूरोप जाने का, जो पहला तरीका है, दो तरीका है यूरोप जाने का, दो तरीका है। पहला फारस की खाड़ी के साथ में इराक तुर्की जाइए और फिर समुद्र के माध्यम से वेनिस और जिनेवा तक पहुंच जाइए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा रूट क्या है? दूसरा रूट जो है वह होता है कहाँ से, तो रेड सी से दूसरा रूट है, वह जो रूट है आपका लाल सागर के रास्ते और फिर जमीन के रास्ते आप मिस्र जाइए, मिस्र में अलेक्जेंड्रिया तक जाइए और वहां से फिर समुद्र के रास्ते वेनिस और जिनेवा तक जाइए। तो वेनिस और जिनेवा तक जाने का दो रूट है, पहला फारस की खाड़ी के माध्यम से और दूसरा अगर देखा जाए तो रेड सी के माध्यम से, लाल सागर के माध्यम से। इसको आपको समझना पड़ेगा, ये जो ज्योग्राफिकल जो व्यू है आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। आप ट्रेस करेंगे मैप निकाल करके कि अगर इंडिया से किसी को वेनिस जाने के लिए है तो वह, अगर जिनेवा जाने के लिए है तो वह रास्ता क्या हो सकता है। आपको दो ही रास्ता समझ में आएगा, पहला पर्सियन गल्फ के थ्रू, फारस की खाड़ी के थ्रू, और दूसरा आपको जो नजर आएगा लाल सागर के थ्रू, रेड सी के थ्रू। इतना आपको समझने के लिए है। अब जो है आगे क्या होता है यह जो है जानना काफी दिलचस्प आपके लिए हो सकता है। तीसरा अगर देखते हैं, तीसरा जो है अगर थर्ड फ्रीक्वेंटेड ओवर लैंड रूट, जो क्या है तो लैंड रूट है। तीसरा रूट वहां पहुंचने के लिए क्या है तो लैंड रूट के माध्यम से आप जा सकते हैं, जो कि जाता है किससे, तो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, मतलब कि जो इंडिया का जो उत्तर पश्चिमी जो जो सीमा का से हो करके आप जा सकते हैं, उसमें जाने के लिए वहां के जो दर्रा है, आपको पता है कि हिमालयन रेंज है वहां पे, वहाँ पे आपको दर्राओं के माध्यम से जो जो दो रेंज के बीच में जो रास्ता होता है वहाँ से आपको गुजरना पड़ेगा, और इसके बाद आप कहाँ जाइएगा तो एशिया और रूस से बाल्टिक तक आप पहुँच पाइएगा। तो तीन आपको जो रूट है आपको समझना पड़ेगा। अब क्या होता है, ठीक है, अब क्या होता है कि
फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होता है। भैया कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन अब हो जाता है। कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है, मतलब आप पहले रूट को देखेंगे। तीन तरीका है जिसके माध्यम से आप जो है ट्रेड कर सकते हैं, दो तरीका, पहला फारस की खाड़ी से, दूसरा लाल सागर से, और तीसरा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जो दर्रा है उसके माध्यम से जा करके आप एशिया और जो रसिया है वहां तक आप क्या कर सकते हैं, तो पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए इसी समय, ये जो जिस समय ये सब जो रास्ते बंद रहे थे, बिगड़ रहे थे, एक इंपॉर्टेंट घटना हो जाता है हमारे हिस्ट्री में, नहीं वर्ल्ड हिस्ट्री में, और उसका प्रभाव कैसे हमारे हिस्ट्री पे पड़ेगा, कैसे इंडियन हिस्ट्री पे इसका प्रभाव पड़ने वाला है, इसको आपको समझने के लिए देखो, कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे कंट्री के लिए। अगर देखा जाए एशिया माइनर पर तुर्क का क्या हो जाता है, विजय होता है। कब हो जाता है बाबू, तो 1453, 1453 है वह हम लोगों का पूरा अगर देखा जाए कि भविष्य को, हमारे देश का भविष्य को चेंज करने वाला है एक वर्ल्ड का घटना। कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा हो जाता है किसका, जो एशिया माइनर पर तुर्क का जो विजय होता है 1453 में, हम समझते हैं कि कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जे के बाद जो पूर्व और पश्चिम के बीच में जो भी पुराने व्यापारिक मार्ग जो रहे होते हैं उस पर अब नियंत्रण किसका हो जाएगा, तो तुर्की लोगों का हो जाएगा। तीन वे था जाने के लिए आपको यूरोप, उसमें से जो एक जो तरीका था लैंड वाला जो तरीका था उसमें एक ऐसी घटना घटती है कि कॉन्स्टेंटिनोपल पर तुर्क का क्या हो जाता है, तो कब्जा हो जाता है। जब तुर्क उस पर कब्जा कर देगा तो इसी रास्ते से हमारा व्यापार हो रहा था यूरोप के माध्यम से, उस व्यापारिक मार्ग पर अगर देखा जाए तो नियंत्रण किसका हो जाता है दोस्त, तो नियंत्रण जो है तुर्क का हो जाता है। अब इससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल करके आता है इसको हमको समझने के लिए है, तो इसको समझेंगे अगर हम लोग, तो देखें अब सबसे पहले जो रास्ता है, रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया, तर्क जो तुर्क लोग हैं वह आपको व्यापार करने नहीं दे रहे हैं, तो अब जो है नया रास्ता का खोज करना पड़ेगा जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो साउथ एशिया है, जो जो आपको दक्षिण एशिया है उसके देशों से, अफ्रीका के देशों से आपको अब एक नया वे में, एक नया रास्ता खोज करके क्या करना पड़ेगा, आपको व्यापार करना पड़ेगा। और यही जहाँ कमी होता है, विदाउट कमी आप कुछ भी इनोवेट नहीं कर सकते। अगर आपके पास कुछ कमी होगा तो आप इनोवेशन की तरफ बढ़िएगा, और होता वही है। पुर्तगाल और स्पेन देश जो है कोशिश करते हैं सबसे दुनिया में सबसे पहले दो देशों के द्वारा, पुर्तगाल के द्वारा और स्पेन के द्वारा यह कदम उठाया जाता है कि वहाँ का जो सरकार है सीमेन को, मतलब कि अगर बात किया जाए वहाँ का जो सरकार है वह क्या करता है कि अपने जो एक ऐसा युग का स्टार्ट करता है जिसमें कि नाविकों को डिस्कवरी करने के लिए बोला जाता है कि जा करके आप नया नया रूट का क्या कीजिए, तो खोज कीजिए। और पुर्तगाल और स्पेन ने यह कदम सबसे पहले उठाया, उन्होंने अपने नाविकों को सरकारों के द्वारा, वहां का गवर्नमेंट इसको पैसा दे रहा है कि जाओ तुम जो है विदाउट ट्रेड किसी कंट्री का डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता, तो ट्रेड करने के लिए तुम जाओ और जा करके नया जो ज्योग्राफिकल रीजन है उसको खोज करो, समुद्री मार्ग का खोज करो। और इसी के को आगे बढ़ाते हुए एक समय आता है 1494 को, स्पेन के कोलंबस ने भारत पहुंचने के लिए वह भारत के खोज में निकलता है, और खोज क्या कह लेता है तो अमेरिका का। कोलंबस को बेसिकली भारत के खोज करने के लिए भेजा जा रहा है क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल जीत लिया गया है किसके द्वारा, तो तुर्कों के द्वारा। उस रास्ते से लैंड वाला जो आपका व्यापार है वह हो नहीं पा रहा है, तो एक नया वे जो खोजने के लिए जो स्पेन का जो कोलंबस से वह निकलता है, और निकलने के बाद गलती से वह क्या खोज लेता है, तो अमेरिका का खोज जो है वह कर लेता है। तो अमेरिका कहीं भुलाया हुआ नहीं था, कहीं गुम नहीं था भाई। अमेरिका का खोज का मतलब यही हुआ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग का चीज है कि समुद्री मार्ग का खोज, अमेरिका पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग क्या हो सकता है इसकी खोज जो है कौन करता है, तो कोलंबस इंडिया को खोजने के प्रयास में, हमारा देश भारत के लिए जो रूट हो सकता है उसको खोजने के प्रयास में अमेरिका का क्या हो जाता है, तो खोज हो जाता है। बात यही बहुत सिंपल सा है कि एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खोजने के लिए पुर्तगाल और स्पेन जैसे देश ने, वहां का जो सरकार रहती है, जो वहां के जो व्यवस्था रहती है, वह नाविकों को जो है संरक्षण देना शुरू करते हैं, धन देना शुरू करते हैं कि आप नए नए मार्ग का खोज कीजिए। हिस्ट्री इतना ही सिंपल है, बस आपको रटने की जो प्रवृत्ति है उसको छोड़ना है, बहुत आसानी से जो है अब आगे बढ़ते हुए रहिएगा। तो आप कुछ इमेज जो है उस समय का अगर देख सकते हैं, तो आप उस समय कुछ इमेज देख सकते हैं कैसे करके जो उस समय का जो क्या सीन रहा होगा, और ये तो आपका अभी का है, तो कैसे एक कोलंबस जो कि अगर बात किया जाए भारत का खोज करने के लिए निकलता है और अमेरिका का खोज कर लेता है, स्टोरी हमारा यहाँ तक पहुँचा है।
अगर हम लोग आगे देखते हैं, अब भाई इंडिया का डिस्कवरी कैसे होता है, हम लोगों को यहाँ से इंटरेस्ट लेने के लिए है, यहाँ हम लोगों को जानने के लिए है। तो भारत की खोज होती है 1498 में। यह जो इंसान है पुर्तगाल का रहने वाला है। अगर हम लोग पहले देखें तो एक स्पेन का रहने वाला कोलंबस जो है जाकर के अमेरिका का खोज कर लेता है। भारत की खोज 4 साल के बाद 1498 में पुर्तगाल के वास्को डिगामा के द्वारा होता है। और एक भारत का खोज इन द सेंस क्या, भारत बहुत पहले से है, उसके लिए एक समुद्री मार्ग का खोज करने का जो श्रेय जाता है वह किसको जाता है, तो आप समझते हैं वास्को डिगामा को जाता है। जो रूट, जो रास्ता, जिस रास्ता से वह जो हो करके यहाँ पहुँचता है, तो अफ्रीका आपको ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप निकलिएगा पुर्तगाल से तो आपको पूरा का पूरा जो अफ्रीका है उसको तो उसको पार करते हुए आपको पहुंचना रहेगा। तो अफ्रीका में एक जो जगह है, ठीक है, अफ्रीका का जो साउदर्न पार्ट है वहां से होते हुए जिस रास्ता को हम लोग बोलते हैं केप ऑफ द गुड होप, केप ऑफ द गुड होप, उस रास्ता से चलते हुए वह इंडिया में सबसे पहले कहाँ पहुँचता है, कैलीकट में पहुँचता है। कैलीकट में पहुँचने के बाद जब वहाँ से वह रिटर्न करता है तो कुछ ना कुछ सामान इंडिया से खरीद लेता है और जा करके वो जा करके अपने जो लोकल मार्केट होता है पुर्तगाल का वहाँ पे जब जाकर इसको बेचता है, तो उसी प्रोडक्ट को बेचने के बाद जो लाभ होता है उसको 60 गुना लाभ होता है। कितना लाभ होता है, तो 60 गुना अगर बात किया जाए लाभ होता है। और यही जो लाभ है, यही जो फायदा है, जो ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स को मोटिवेशन मिलता है कि हम भी क्या करें, इंडिया से ट्रेड करें। और एक दौर सा शुरू हो जाता है कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्री, जो स्टार्ट किया जाता है स्पेन के द्वारा, जो स्टार्ट किया जाता है आपके पुर्तगाल के द्वारा, अब यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज जो है वह आना यहाँ पे क्या कर देंगे, तो शुरू कर देंगे। और इतिहास का यहीं से देखते हैं एक नया अध्याय शुरू हो जाता है। 1453 की अगर वह घटनाएं नहीं होती तो शायद और समय लगता, जो जो सी रूट है उसको खोजने में समय और कुछ ज़्यादा जरूर लगता। लेकिन जहाँ पे कमी होती है वहीं पे कुछ खोजने की, कुछ पाने की जो गुंजाइश होता है वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो यही कमी ट्रेड का, जो रूट का जो अवरुद्ध होना के कारण होता है कि भारत का तो खोज होता ही है, भारत की समुद्री मार्ग का खोज तो होता ही है, साथ ही साथ देखा जाए तो अमेरिका का भी खोज होता है। और इसके बाद का जो भी कहानी है उससे सभी लोग भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि आप मोर और लेस या तो 12th क्लास में होंगे या ग्रेजुएशन में होंगे या ग्रेजुएशन के आगे के स्टूडेंट होंगे, आपको पूरा का पूरा कहानी आगे का इतिहास का जरूर पता होगा। मोर और लेस किसी को ज़्यादा किसी को कम, तो वही कहानी लेकर के पर डे हम जो है अल्टरनेट डे में आपके समक्ष लाएंगे। और उस कहानी के ऊपर में कॉन्सेप्ट बिल्डअप का जो काम होगा विथ द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी थ्योरी मेरे द्वारा जो है लगातार किया जाएगा। अब हम लोग देखो ये जो रास्ता है आप देख लीजिए, यहाँ पे यहाँ से जो है निकलता है, ये रास्ता है बाबू आने का, ऐसे यहाँ पे आए। आने के बाद जो है क्यों आपको रिफ्यूलिंग का जरूरत, अभी भी अगर आप चाहेंगे तो चाइना अगर आपको जाने के लिए है, इंडिया एक दुख का बात आपको शायद लगे, इंडिया कभी भी स्ट्रेटजिकली, इंडिया का लोकेशन जो है वह कभी ज़्यादा मतलब जो स्ट्रेटजिकली इंडिया इम्पोर्टेंट नहीं रहा है, लेकिन ट्रेड के लिए चाइना इम्पोर्टेंट जरूर रहा है। यूरोप के कंट्री के लिए चाइना इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा रहा है, किसके लिए, तो हमारे कंट्रीज के लिए, मतलब चाइना का इम्पोर्टेंस कुछ ज़्यादा था। बट चाइना को पहुँचने के लिए आपको इंडिया में रिफ्यूलिंग की जो आवश्यकता है अभी भी होती है। चाइना आप बिना इंडिया में रुके हुए, हॉल्ट किए हुए, अभी भी कोई जहाज चाइना से ट्रेड नहीं कर सकता है, ठीक है, कोई भी जहाज जो है चाइना से ट्रेड नहीं कर सकता है। इस बात को समझेंगे तो मैप से देखेंगे अगर आप, यह है इनके आने का रास्ता, केप ऑफ गुड होप जिसके बारे में बोला गया था, वैसे करके यहाँ पे जो है कालीकट कौन पहुंच जाता है बाबू, वास्को डी गामा। लेकिन अगर बात करें लौटने का जो रास्ता है वो थोड़ा सा जिगजैग टाइप से होकर के, फिर अगर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे मोगाडिशु एक जगह है, यहाँ पे जो है ये क्या करता है तो रुकता है, इसके बाद एक और अफ्रीका का जगह है मालिंदी, वहाँ पे रुकता है, होते हुए यहाँ पे फिर जाके केप वर्डे इज से लेकर के एजरोज होते हुए जो लिस्बन है पुर्तगाल का, जो लिस्बन है वहाँ पे यह पहुँच जाता है। तो आने का रास्ता और जाने का रास्ता दोनों अब दुनिया को पता चल गया, और अब क्या होगा, लगातार ट्रेड होगा, और ट्रेड के बाधे जो चीज़ होंगी वह भी आपको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। आपको देखना है हिस्टोरियन का व्यू क्या था, व्यू क्यों बताया जाता है आपको, इतिहासकार क्या सोचते हैं, क्योंकि होता है यहाँ से प्रीलिम्स में
स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, और मेंस में अगर आप इतिहास का कुछ आंसर को लिख रहे हैं और अगर आप कोट करते हैं इतिहासकार के बारे में, तो जो कॉपी चेकर होता है वह भी एक तरह का क्या होता है, प्रोफेसर होता है। उसको अच्छा लगता है कि आपको इतिहासकार के बारे में भी पता होता है। तो ये सब जो घटना थी उसके ऊपर एक इतिहासकार का व्यू पॉइंट आप जान लीजिएगा, जिसका नाम है एडम स्मिथ, ने बाद में लिखा कि अमेरिका की खोज और भारत के लिए केप मार्ग मानव जाति के इतिहास में दर्ज दो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। आपको समझना पड़ेगा इस बात को, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक जो इतिहासकार है जिसका नाम है एडम स्मिथ, उसने कहा कि बाद में उसने लिखा कि डिस्कवरी ऑफ अमेरिका और जो केप ऑफ गुड होप जो रूट था इंडिया का, वह क्या था, इतिहास का पूरा अगर देखा जाए द टू ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ऐसा बात आप बोल रहा है, ठीक है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, न्यू कॉन्टिनेंट एज ए सोर्स, अगर हम लोग बात करें न्यू कॉन्टिनेंट के बारे में, तो इसको भी एक स्रोत के रूप में नया महाद्वीप के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि नया महाद्वीप क्या है, इसको हम लोग समझेंगे कि नया महाद्वीप कीमती धातुओं से समृद्ध था। यह जो नया महाद्वीप जो खोज किया गया था, यहाँ पे सोना चांदी जो है वह क्या किया गया, यहाँ पे लाया गया, जहाँ उन्होंने व्यापार को शक्तिशाली रूप से प्रोत्साहित किया और कुछ पूंजी प्रदान की जो जल्द ही यूरोपीय देशों को व्यापार उद्योग वैभव में उन्नत बना देगी। आप देखिए यूरोप में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो यूरोप में सबसे पहले अगर बात किया जाए तो यूरोप में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, यूरोप में सबसे पहले औद्योगिकरण हुआ है। क्यों हुआ है, औद्योगिकरण के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, उसके उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए जरूरी क्या है, जरूरी है आपको धन, और धन कहाँ से मिलता है, तो व्यापार से मिलता है, ठीक है, व्यापार से मिलता है धन। और इसी ये जो व्यापार है, जो व्यापार जो नया रूट जो निकल करके आया है अमेरिका के लिए, जो नया रूट निकल करके आया है अफ्रीकन कंट्री के लिए, जो नया रूट निकल करके आया है आपके इंडिया के लिए, यही जो रूट है यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और यही महत्वपूर्ण रूट के माध्यम से जो ट्रेड होता है एक एज देता है इन कंट्री को, किस चीज़ के लिए एज देता है कि नया से नया और जल्दी से जल्दी हम क्या कर सकें, तो ग्रोथ कर सकें, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को ला सकें। इसलिए इतिहासकार का यह कहना है कि अमेरिका का खोज और भारत का खोज दो सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं थी, किसमें, तो मानव जाति के इतिहास में। इस स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पे प्रूफ करते हैं, क्योंकि यही जो ट्रेड था यूरोप को एक अमीरियत के टर्म पे लेके जाता है, उनको जो यूरोप के जो कंट्री हैं उसको डेवलप करने का क्या करता है, तो काम करता है। आगे अगर हम लोग बढ़ करके देखें कि सबसे इसके अलावा अमेरिका को यूरोपीय निर्माताओं के लिए एक अटूट बाजार उपलब्ध कराना था, अमेरिका वाज टू प्रोवाइड एन इनएग्जॉस्टिबल मार्केट फॉर यूरोपियन मैन्युफैक्चर। अब जहां अमेरिका क्या बन जाता है, वह मार्केट बन जाता है, वह क्या बन जाता है, तो बाजार बन जाता है। किसका बाजार बनता है, तो यूरोप का बाजार बन जाता है। अफ्रीका क्या हो जाता है, अफ्रीका इंपॉर्टेंट क्यों है, अफ्रीका सोर्स हो जाता है स्लेव ट्रेड के लिए, वहां से स्लेव को लेकर के जाया जाता है और यूरोपियन जो फार्म है वहां पे इनसे काम करवाया जाता है। इससे भी क्या होती है, तो मनी जो है जनरेट होती है, दास व्यापार के स्रोत के रूप में अफ्रीका है। इसके बाद अगर देखा जाए यूरोपीय देशों के लिए प्रारंभिक पूंजी संचय या संवर्धन का एक अन्य प्रमुख स्रोत जो है अफ्रीका से ही, मतलब अफ्रीका में जब प्रवेश होता है तो जब वहां से दास वहां जाते हैं तो वहां पे बहुत कम समय में जाकर के वहाँ पे जो भी काम वाम है उसको देखने शुरू कर देते हैं और जाकर के पूरा का पूरा अमेरिका बाजार बना हुआ है, अफ्रीका जो है मजदूरों का क्या बना हुआ है, जो लेबरर्स हैं उनके सोर्स बने हुए हैं। अगर हम लोग आगे देखें, प्रारंभ में अमेरिका का अफ्रीका में सोना है, अफ्रीका के हाथी दांत ने विदेशियों को बहुत आकर्षित किया था। सोर्स है सोना का, सोर्स किसका है, तो अगर देखा जाए हाथी दांत का भी। हालांकि बहुत जल्द अफ्रीका के साथ व्यापार जो है सिर्फ और सिर्फ सोना से, और अगर देखा जाए हाथी दांत के अलावा अफ्रीका एक सोर्स बन जाता है सिर्फ किसका, तो दास व्यापार का। सिर्फ और सिर्फ किसका सोर्स बन जाता है, तो स्लेव ट्रेड का जो है यह सोर्स बनकर के रह जाता है। तो आप इम्पोर्टेंस देख रहे थे, अमेरिका का इम्पोर्टेंस यही है कि वह एक ऐसा मार्केट बन जाता है जहां पे यूरोपीय निर्माता कंपनी का जो भी चीज़ है वह बिकेगा। अफ्रीका जो शुरू में हाथी दांत के लिए फेमस था, जो शुरू में अगर देखा जाए तो गोल्ड के लिए फेमस था, बाद में सिर्फ और सिर्फ जो केंद्र हो जाता है उसका अफ्रीका का, वह दास व्यापार ही हो जाता है। अगर हम लोग आगे बढ़ करके देखें और कुछ
तो अगर बात करें कुछ अनुमान के बारे में, हालांकि गुलामी में बेचे गए अफ्रीकियों की संख्या का कोई सटीक रिकॉर्ड अभी मौजूद नहीं है, इतिहासकार का अनुमान है कि भैया यह 15 से 50 मिलियन लोगों का क्या हुआ था उस वक्त, तो व्यापार हुआ था। यह अनुमान लगाया गया है कि इतना व्यापक जो है 15 से 50 मिलियन, बहुत बड़ा पॉपुलेशन होता है जिसका होता क्या है, तो पूरा का पूरा इनका इतना सारे दास को यहाँ से लेकर के जाया जाता है। तो यह एक तरह का इतिहास में आप समझ सकते हैं, एक एक डेटा जो है आप उसको जरूर समझ सकते हैं। अगर बात किया जाए पुर्तगाल इन इंडिया, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि वास्को डी गामा आया, जो कि एक पुर्तगाली जी था। पुर्तगाल का लगभग एक शताब्दी तक अत्यधिक लाभप्रद पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार था। मतलब कि जब सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए हैं, तो एक सेंचुरी तक, करीब 100 साल तक, जो पूरब से जो व्यापार है उसके ऊपर एकाधिकार किसका था। पूरब मतलब क्या, अगर वर्ल्ड को देखा जाए, वर्ल्ड मैप को देखा जाए, तो जो पूरब का जितना पार्ट है उस पे बस 100 साल तक एकाधिकार कौन रखता है, तो पुर्तगाली रखता है। अगर हम लोग बात करें, यहाँ से प्रश्न आता है, इंडिया में इनके कौन कौन से सेटलमेंट थे, कहाँ कहाँ आकर के देखा जाए, अगर कहाँ कहाँ आकर के पुर्तगाली जो है बसते हैं, तो आप समझ सकते हैं कोचिन में, गोवा में, दीव में, और कहाँ पे, तो दमन में। इसको आपको ध्यान में रखने के लिए है, ठीक है। देखा जाए अगर कोचिन, गोवा, दीव और दमन, कोचिन, गोवा, दीव और दमन जो है यह इंपॉर्टेंट सेटलमेंट है। किसका सेटलमेंट है इंपॉर्टेंट सेटलमेंट, तो पुर्तगालीज का। कहाँ पे, तो इंडिया में। आगे अगर हम लोग बढ़ करके देखें, तो फ्रॉम द बिगिनिंग द पोर्तुगीज कमिटेड द यूज ऑफ फोर्स विथ ट्रेड। सबसे पहले पुर्तगालियों ने ही व्यापार के साथ जो है बल प्रयोग करने का काम शुरू किया। तो भैया जो व्यापारी होते हैं वह बल का कभी प्रयोग नहीं करते हैं, व्यापार शांति से होता है। लेकिन यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि बल का प्रयोग करना शुरू हो जाता है किसके द्वारा, तो पुर्तगालियों के द्वारा। प्रारंभ से ही जो पुर्तगाली है व्यापार भी करते हैं, साथ ही साथ जो है बल का भी प्रयोग करते हैं। वह अपने साथ जो जहाज लाते हैं वह कैसे होते हैं, तो सशस्त्र होते हैं, उसके ऊपर में कैनन जो है लगा हुआ होता है, और इसी के माध्यम से वह समुद्र पर क्या करते हैं, तो अपना वर्चस्व को स्थापित करने का काम करते हैं। जो कैनन वाला होता क्या है आप समझेंगे, मान के चलिए कि समुद्र है इंडिया, यहाँ पे अगर देखा जाए तो कालीकट में सबसे पहले कौन आते हैं, तो पुर्तगाली जाते हैं। यहाँ आकर के इन्होंने अपना सेटलमेंट को रखा। जैसे ही यहाँ पे इनको कुछ डिस्टरबेंस का सामना होता है, इनका जहाज जाता है यहाँ पानी में, और यहाँ से जो है बम्बार्डिंग करना शुरू कर देते हैं, कैनन के माध्यम से जो है लगातार बारूद बरसाना शुरू कर देते हैं, और ऐसे करके जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है इस पे अपना पकड़ को मजबूत किए हुए रहते हैं। इसको आप समझेंगे। अगर बात करते हैं सबसे पहले, तो एक नाम आता है अल्फांसो दी अल्बुकर्क का, जो जुड़ा हुआ किससे है, तो पुर्तगालियों से। अगर बात करते हैं पुर्तगालियों से, तो यह क्या होता है उनके वायसराय, वह एक वायसराय होता है। इसका इम्पोर्टेंट काम है कि 1510 में इसने गोवा पर क्या कर लिया था, तो कब्जा कर लिया था। तो अल्फांसो द अल्बुकर्क एक ऐसा इंसान होता है जो कि अल्बुकर्क जो है 1510 में ही क्या कर लेता है, तो गोवा पर कब्जा कर लिया था। पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी में होर्मुज से लेकर के मलाया में, मलक्का और इंडोनेशिया में स्पाइस द्वीप समूह पर, पूरे एशियाई तट पर अपना प्रभुत्व भी स्थापित कर लिया था। तो इम्पोर्टेंट है अल्फांसो द अल्बुकर्क का। इंडिया में अगर देखा जाए तो गोवा पे कब्जा करना, कब करना, तो 1510 में गोवा पे क्या हो जाता है, तो कब्जा हो जाता है। अगर हम लोग और बात करते हैं कि जो जो हॉर्मुज है कहाँ पे, तो पर्सियन गल्फ में, वहां से लेकर के जो मलक्का है कहाँ पे, मलाया में, और एक और जगह याद रखेंगे जो स्पाइस आइलैंड है वह कहाँ पे है, तो इंडोनेशिया में। तो हॉर्मुज पर्सियन गल्फ में, मलक्का मलाया में, और जो स्पाइस आइलैंड है वह कहाँ पे आपका है, तो इंडोनेशिया में। यह जो तीन जगह है, यह जो तीन महत्वपूर्ण जगह है, और इंडिया में कौन सा, गोवा, इसके ऊपर कब्जा करने का काम कौन करता है, तो इसका एक वायसराय है जिसका नाम है अल्फांसो द अल्बुकर्क। आपको ध्यान रखना है 1510 में गोवा पे, और अगर आपको ध्यान रखना है तो आप समझ सकते हैं। और आगे अगर देखें तो कहाँ पे, तो होर्मुज जो है पर्सियन गल्फ में, मलक्का जो है कहाँ पे, तो मलाया में, और एक स्पाइस आइलैंड है वह कहाँ पे है, तो इंडोनेशिया में। इतना आपको समझने के लिए, इसके ऊपर कब्जा करने का काम कौन करता है, तो अल्फांसो द अल्बुकर्क। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो अल्फांसो द अल्बुकर्क देखा जाए तो 1453 से 16 दिसंबर 1555
15 तक यह पोर्तुगीज का क्या रहता है तो जनरल रहता है। वायसराय ऑफ पोर्तुगीज की तरह इंडिया में अगर देखा जाए तो 6 साल का इसका शासन काल था, 1509 से लेकर के 1515 तक। पूरा का पूरा अगर देखा जाए 1453 से लेकर के 1515 तक अगर देखा जाए इंडिया में इसका जो जो कार्यकाल था 1509 से शुरू होता है और 1515 तक जाता है। अगर बात किया जाए कि जन्म तो इसका भले ही पुर्तगाल में होता है, मृत्यु कहाँ हो जाता है 1515 में, भारत में ही इसकी मृत्यु हो जाती है, गोवा में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। आपको समझने के लिए है अल्बुकर्क जो कि 6 साल तक वायसराय रहता है और इसकी मृत्यु कहाँ हो जाती है तो इसकी जो मृत्यु है गोवा में हो जाती है। तो प्रश्न आपको ऐसा ही पूछा जा सकता है। अगर हम लोग आगे देखें रिलीजियस पॉलिसी, हम लोग को देखना है कि जो पुर्तगाली लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है, पुर्तगाली लोग आते हैं उनकी धार्मिक नीतियाँ क्या है। तो धार्मिक मामलों में वे होते क्या हैं तो इनटॉलरेंट होते हैं, होते क्या हैं तो असहिष्णु होते हैं, और क्या होते हैं तो रिलीजियस मैटर पे ये फैनेटिकल होते हैं। फैनेटिकल मतलब क्या होते हैं तो कट्टर होते हैं। धार्मिक नीति जो इनका है कट्टरपंथा से जो है इनका भरा हुआ है। दूसरा अगर देखा जाए कि जो धार्मिक नीति जो है पुर्तगालियों का वह असह जो जो कहीं से भी टॉलरेंस आपको नहीं दिखेंगे, जो है इनटॉलरेंट आपको देखने के। वे लोग ईसाई धर्म या तलवार का विकल्प दे करके, या तो आप ईसाई धर्म को अपना लीजिए या फिर इनका द्वारा जो पॉलिसी चलाया गया था इस पॉलिसी का जो नाम है ऑफरिंग द पीपुल ऑफ अल्टरनेटिव ऑफ क्रिश्चियनिटी और स्वॉर्ड, या तो आप ईसाई धर्म को अपना लीजिए या आप तलवार के से जो अंजाम हो रहा है उसके लिए आप क्या रहिए तो तैयार रहिए। इस बात को आपको समझने के लिए है। दियर अप्रोच इन दिस रिस्पेक्ट वाज पार्टिकुलरली हेटफुल टू पीपल ऑफ इंडिया हुयर रिलीजियस टॉलरेंस वाज द रूल। आपको पता है कि इंडिया एक धार्मिक सहिष्णुता वाला कंट्री है और वहाँ पर अगर धार्मिक कट्टरपंथा किसी के द्वारा किया जाएगा तो लोग जो है उनको उनसे घृणा करना शुरू कर देंगे। और होता यही है कि जो रिलीजियस पॉलिसी रहता है जो पुर्तगाल का उसको लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आपको समझना है कि इनका जो पॉलिसी का नाम क्या था क्रिश्चियनिटी और स्वॉर्ड। अगर हम लोग बात करें किया जाए हिंदी में देखा जाए तो आप देखते हैं कि ईसाई धर्म या तलवार, यह जो नीति है किसके द्वारा अपनाया गया था आपसे अगर पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं कि पुर्तगाली के द्वारा इसको अपनाया गया था। अगर बात किया जाए व्यवहार के, अगर रीजन फॉर सर्वाइविंग ऐसा इनका व्यवहार था फिर भी इंडिया में यह सर्वाइव कैसे कर गए इसको आपको समझने के लिए, इन स्पाइट ऑफ दियर बारबेरिक बिहेवियर दियर पोजिशन इन इंडिया सर्वाइव फॉर ए सेंचुरी। इतना लोग इनसे घृणा कर रहे हैं फिर भी 100 साल तक, आपको समझना होगा 100 साल तक वह हमारे देश में कैसे बने रहे, क्यों बने रहे, क्योंकि आप समझते हैं कि इनका जो कंट्रोल था जो समुद्र है उसके ऊपर इनका कंट्रोल रहता है। अगर देखा जाए इनका सोल्जर्स के बारे में, इनका जो सेना है उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहते हैं। अगर डिसिप्लिन में कोई सेना रहेगा उसके प्रशासक रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यह क्या कर पाएंगे, अपने आप को बचा पाएंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था, इस समय मुगल साम्राज्य का जो है व्यवस्थाएं जो है पूरे के पूरे इंडिया में चल रही थी, लेकिन दक्षिण जो है मुगल साम्राज्य के पहुंच से क्या होता है तो काफ़ी दूर होता है। और मुगल साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण होगा, यह जो समय है 1500 का समय है, समझिए कि अकबर का जो है उससे पहले का ही समय है, तो इस समय जो स्थितियाँ होगी मुगल साम्राज्य की वह काफ़ी मजबूत होगी। और अकबर के समय में कोई सोच भी नहीं सकता है कुछ भी करने के लिए, लेकिन अकबर का पहुँच जो होता है जो जो स्ट्रांग मुगल शासक रहते हैं उनका पहुंच कहीं से भी साउथ तक नहीं रहता है। साउथ से पहुंच तो आपको पता होगा कि औरंगजेब जी जो है वह साउथ तक पहुंचने का कोशिश करता है। तो 3-4 महत्वपूर्ण कारण रहा जिसके माध्यम से यह जो है 100 साल तक सर्वाइव कर सके। अगर आपको ऑप्शन में पूछा जाए कि कौन कौन सा कारण हो सकता है तो पहला कारण है इनका जो समुद्र है, इनकी समुद्र शक्ति, दूसरा इनके जो प्रशासक हैं, इनके जो सैनिक हैं उनका क्या होना तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में होना, तीसरा अगर देखा जाए और क्या हो सकता है कि तीसरा अगर देखा जाए तो मुगल एम्पायर का साउथ तक जो दक्षिण है उससे जो साउथ है हमारा जो दक्षिण का जो क्षेत्र है वह साउथ से क्या वह जो है मुगल प्रशासक से उसके प्रभाव से काफ़ी ज़्यादा दूर है, एक यह भी जो है कारण आपका होता हुआ दिखाई देगा। इतना महत्वपूर्ण कारण कि रिलीजियस इंटॉलरेंस वाला जो जिससे लोग घृणा कर रहे हैं फिर भी वह 100 साल तक क्यों सर्वाइव किए हैं, यह स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म कर सकता है। और आप जो इसका आंसर है इस समझ से अपना आंसर को जरूर यहाँ पे आप दे सकते हैं। आगे अगर हम देखें
कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, तो 1602 में डच जो है डच बास्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड, जो डच बास्ट इसका नाम क्या था, डच बास्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड एंड डच स्टेट जनरल द डच पार्लियामेंट गेव इट ए चार्टर एम्पावरिंग इट टू मेक वार कंक्लूड ट्रीटीज एक्वायर टेरिटरीज एंड बिल्ड फोर्टेसेस। आप समझ लो कि जो डच का जो जो डच स्टेट जनरल है उसको कौन कौन सा राइट दिया गया था, डच कंपनी जो है सबसे पहले अगर उसको देखा जाए उसको कौन कौन सा राइट दिया गया था, तो संधि कर सकता था, जहां ट्रेड करने गया वहां वह संधि कर सकता था, यह राइट उनको चार्टर एक्ट देता है। कहां का चार्टर एक्ट, तो डच चार्टर एक्ट देता है। दूसरा अगर देखा जाए और क्या कर सकते हैं कि युद्ध, आप युद्ध भी कर सकते हैं, संधि भी कर सकते हैं, जहां आप ट्रेड करने गए उस क्षेत्रों को आप जीत भी सकते हैं, उसका आप अधिग्रहण भी कर सकते हैं, वहाँ पे आप फोर्टिफाइड जहाँ पे आपका जो ट्रेड सेंटर है उसको आप क्या कर सकते हैं, जो ट्रेड सेंटर है उसको आप किलेबंदी भी कर सकते हैं, उसका इसका परमिशन जो है दिया गया था किसको, डच बास्ट इंडिया कंपनी का। तो इसको भी याद रखेंगे, जो डच की जो कंपनी थी जैसे कि वह उसका नाम था डच बास्ट इंडिया कंपनी, जो 1602 में इनको चार्टर एक्ट के तहत में बहुत सारे जो है क्या दिए गए हैं, प्रावधान दिए गए हैं, उसमें से कुछ प्रावधान के बारे में आपको जो है डिस्कशन हम कर दिए हैं। आगे अगर हम लोग देखते हैं सेटलमेंट ऑफ डच 1602 से लेकर के 1759 के बीच में रहा है, अगर बात किया जाए 1602 में क्या हुआ, डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण होता है, पहला जो फैक्ट्री है कहाँ पे 1605 में मछलीपट्टनम में इनके द्वारा बनाया जाता है। अगर बात किया जाए यह जो है इस भाग में जो ईस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं ना, वेस्टर्न कोस्ट के कंपेरिजन में जो डच लोग जो हैं वह ईस्टर्न कोस्ट में क्या रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे। अगर देखा जाए केरला में भी यह काफ़ी एक्टिव हैं। एक इम्पॉर्टेंट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 1759 में एक बैटल होता है, लड़ाई होता है, चिनसौरा का लड़ाई जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग बैटल ऑफ बेदारा बोलते हैं, मीर जाफर प्लस इंग्लिश साथ में रहते हैं और डच इसमें क्या हो जाता है, तो हार जाता है। तो इसको आप समझेंगे कि कैसे जो डच का सेटलमेंट है 1759 में कैसे यह खत्म हो जाता है, इसका प्रभाव से खत्म करने के लिए आपको ऑप्शन में लिखा हुआ रहे कौन सा जो युद्ध है, तो आप समझेंगे 1759 का जो बैटल ऑफ जो बेदारा है, जो चिनसूरा है, जो कि चिनसूरा कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, मीर जाफर नवाब वर्सेस जो डच है उनके बीच में यह युद्ध होता है, डच इसमें जो है हार जाते हैं। तो डच सेटलमेंट से आपको समझना है कि मेनली यह ईस्टर्न रीजन में अपना फैलाव को जारी रखे हुए थे, और लास्टली अगर देखा जाए 1759 में चिनसूरा का युद्ध या फिर बेदारा का युद्ध में हार करके इनकी जो स्थितियाँ हैं यहीं पर समाप्त होती हुई आपको दिखाई देगी। अगर बात किया जाए कि मुख्य फोकस इनका क्या था, क्या इनका केंद्र बिंदु था, किस चीज़ का यह ट्रेड करना चाहते थे और किससे यह ट्रेड करना चाहते थे, तो डचों की मुख्य रुचि भारत में नहीं थी बल्कि इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा और स्पाइस द्वीपों में थी, जहां से वह मसालों का क्या करते थे, तो उत्पादन किया करते थे। तो डच का अगर देखा जाए तो इंडिया पे फोकस कम था, जबकि इनका जो फोकस किस पे था, तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पे, सुमात्रा द्वीप पे और स्पाइस द्वीप पे, जहां और नॉर्मली किस चीज़ का व्यापार करते थे, तो मसालों का यह व्यापार करते थे। अगर हम लोग इनका बात करें इंपॉर्टेंट सेंटर डच का क्या क्या हो सकता है, तो आपको यहां पे रट्टा लगाना पड़ेगा, आपको चीजें यहां पे रटना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी में भी सेटलमेंट से जो है कहां पे इनका जो सेंटर है वहां से प्रश्न पूछा गया है, आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट देखें तो पश्चिम भारत में ऐसे ही प्रश्न पूछता है, पश्चिम भारत में जो पश्चिमी जो क्षेत्र है वहां पे कौन कौन सा, तो सूरत का जो क्षेत्र है, ठीक है, जो सूरत का क्षेत्र है वहां पे अगर देखते हैं, और कहाँ पे बरोच का जो क्षेत्र है, काम्बे और अहमदाबाद इन गुजरात, गुजरात में कहाँ कहाँ पे, तो आपको समझने के लिए है सूरत, भरोच, काम्बे और अहमदाबाद, इतना आपको याद रखना है वेस्टर्न साइड में। अगर हम लोग बढ़ें आगे बढ़ करके देखते हैं, तो अगर ईस्टर्न साइड के बारे में देखते हैं तो कोचीन, जो केरला का कोचीन में, मद्रास में कहाँ पे, तो नागपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में कहाँ पे, तो आपको देखना है मसूलीपट्टनम में, बंगाल में कहाँ पे, चिनसूरा में, और आपको पता है कि चिनसूरा में ही क्या हुआ था, लड़ाई हुआ था, जिसके बाद इनका जो है इनकी जो शक्तियाँ है यहाँ पे ख़त्म हो गई थी, इनको इनका पतन हो गया था। इसके बाद देखा जाए और क्या हुआ था यहाँ पे, बिहार में पटना और उत्तर प्रदेश में आगरा में इनकी क्या था, तो व्यापारिक डिपो था, व्यापारिक फैक्ट्री था। आपको चीज़ें यहाँ पे याद करनी पड़ेगी कि वेस्ट इंडिया में कहाँ कहाँ पे, तो अहमदाबाद वेस्ट इंडिया में, और कहाँ पे, तो काम्बे, और कहाँ पे, बरोच, और कहाँ पे, तो सूरत में। अगर हम लोग बात करते हैं और जो अगर देखा जाए जो ईस्ट का जो पार्ट है उसमें देखते हैं, तो कोचीन, ठीक है ना,
केरला के कोचिन में, मद्रास के नागपट्टनम में, आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में, चिनसूरा बंगाल में, आपको चीज़ें याद होगी, पटना जो है बिहार में, आगरा कहाँ पे उत्तर प्रदेश में, इनका जो है व्यापारिक सेंटर रहा है और आपको इसको रिमेम्बर करना पड़ेगा, वेस्ट साइड में कहाँ पे, ईस्ट साइड में कहाँ पे, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। अब हम लोग आ जाते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ, और देखे देखा जाए पूर्व के साथ, जो अगर पूरा का पूरा वर्ल्ड है, पूरा का पूरा वर्ल्ड है, उसका जो पूर्वोत्तर का भाग है, पूर्वोत्तर का भाग में व्यापार करने के लिए एक अंग्रेजी संघ या कंपनी का गठन कब होता है, तो 1599 में व्यापारियों का एक समूह का के द्वारा पूरब के साथ व्यापार करने के लिए कंपनी का निर्माण होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो मर्चेंट एडवेंचरस, इसको आप कभी नहीं भूलिएगा, मर्चेंट एडवेंचरस एक कंपनी है जिसका निर्माण क्या क्यों होता है, तो ईस्ट के साथ में क्या करने के लिए, पूरब के साथ में क्या करने के लिए, तो व्यापार करने के लिए। द कंपनी को एक रॉयल चार्टर दिया जाता है, एक्सक्लूसिव प्रिविलेज दिया जाता है, इसके माध्यम से उसको फायदा क्या, किसके द्वारा, तो क्वीन एलिजाबेथ ने इसी कंपनी को, मर्चेंट एडवेंचरस को, 31 दिसंबर 1600 को एक जो है एक चार्टर देने का काम करता है, जिसके माध्यम से, चार्टर मतलब क्या, आपको हक दिया जा रहा है, आपको परमिशन दिया जा रहा है कि आप जा करके जो पूरब का जो भाग है उसमें आप ही ट्रेड कर सकते हैं, आप इसके अलावा हमारे देश से दूसरा कोई भी कंपनी जा करके ट्रेड नहीं करेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं चार्टर देना, जो क्वीन एलिजाबेथ जो है उसको 31 दिसंबर 1600 को क्या करती है, तो देने का काम करती है। और अगर बात करते हैं कि उस कंपनी को जो मर्चेंट एडवेंचरस है, अब उसका नाम क्या हो जाता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, शुरू में मर्चेंट एडवेंचरस कंपनी को एक एक्सक्लूसिव राइट दिया जाता है, प्रिविलेज दिया जाता है 31 दिसंबर 1600 को, और उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जो मर्चेंट एडवेंचरस कंपनी है, पूरा का पूरा वर्ल्ड का जो पूर्वी भाग है उसमें ट्रेड करने के लिए क्या हो जाता है, तो एलिजिबल हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे देखने का काम करेंगे, पूरा का पूरा द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 से लेकर के 1947 तक का एक अगर चार्ट देखा जाए, तो डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज एम्पायर देखा जाए एशिया में 1600 में होता है, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर अगर देखा जाए, यह भी जो मुगल एम्पायर है वह उसका भी क्या हो रहा है, तो डिक्लाइन होता हुआ शुरू हो जाएगा, और इसी केस में जो अगर देखें तो मैक्सिमम जो है जो डच है उसका भी क्या हो चुका है, यहाँ पे पतन हो गया है, और इसी केस में धीरे धीरे कैसे कर करके आप समझ सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनका जो प्रभुत्व है हमारे देश पे वह बढ़ते जा रहा है, इसी की जो कहानी है, इस जो समराइज किया गया है वही आगे आने वाले स्लाइड में आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर बात करते हैं भारत में पहली यात्रा, किसका पहली यात्रा, तो ब्रिटिशर्स का, तो 1608 में एक कारखाना खोलने का निर्णय लिया गया, उस समय भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में ट्रेडिंग डिपो को यह नाम दिया गया था, और रॉयल फेयर प्राप्त करने के लिए कैप्टन हॉकिंस कहाँ गए थे, तो जहांगीर के दरबार में गए थे। मतलब ऑब्वियस बात है कि अगर मान के चलिए इंडिया में किसी कंपनी को एक फैक्ट्री लगाने के लिए है, तो अभी ऐसी बात है कि वह गवर्नमेंट से परमिशन लेने जाएगा, और एक नॉर्मल सा जो जो कंसीडर है कि बहुत पोलाइट एक रिक्वेस्ट होगा कि हम आपके यहाँ एक ट्रेड फैक्ट्री लगा सकते हैं, और ऐसा ही एक रिक्वेस्ट किया गया था, किसके द्वारा, कैप्टन हॉकिंस के द्वारा, जहांगीर के दरबार में जा करके उसने यह परमिशन लेने का कोशिश किया था, और डेट क्या क्या था उसका, तो 1608 इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। लेकिन होता क्या है कि यह प्रयास जो है उतना सफल नहीं हो पाती है, जो 1615 में एक आता है सर थॉमस रो, वह मुगल दरबार में पहुंचता है, उन्होंने भारत की जो नौसैनिक कमजोरी का फायदा उठा करके मुगल अधिकारियों पर दबाव डाला, और भारतीय व्यापारियों और लाल सागर और मक्का तक शिपिंग को क्या कर दिया, तो यह जो है परेशान करने का काम किया। मुगल, आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा फेलुअर इनका कहाँ दिखता है, तो आपको ऑब्वियस ही पता है कि नेवल सेना इनके पास में थी ही नहीं, क्योंकि ना ये ट्रेड में ज़्यादा विश्वास करते थे, इनकी थी कि हम रिवेन्यू का उगाही कर लें और उसी के माध्यम से अपना जो जो शासन व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसको हम चलाने का काम करें, और इसी का कुछ फायदा उठाते हैं मुगल को इम्प्रेस करने में, या कि भाई आपको हम नौसैनिक शक्तियों के से दिखला करके इम्प्रेस करने का काम करता है। और 1615 में आपको समझना है, 1608 में जहाँ कैप्टन हॉकिंस जो है मुगल दरबार में आता है, तो 1615 में कौन मुगल दरबार में आता है, तो 1615 में थॉमस रो जो है वह मुगल दरबार में आने का काम करता है। आगे अगर हम लोग देखते हैं,
एक शाही फरमान मिलता है, इंपेरियल फरमान के बारे में बात करें कि धमकियों के साथ मिंटों को मिला करके जो रू होता है मुगल साम्राज्य के सभी हिस्सों में व्यापार करने और कारखाना स्थापित करने के लिए एक शाही, मतलब या तो जिसको वह धमकी दे सकता था धमकी दिया, जिससे वह रिक्वेस्ट कर सकता था, मतलब कि हर एक तरह का चीज़ों का यूज करके, प्रयास करके, कैसे भी करके यह एक शाही फरमान लेने में यह सफल हो जाता है। कौन? तो आपका थॉमस रो। और उसके बाद जो मुगल साम्राज्य है वहाँ पे यह व्यापार करने के लिए कुछ फैक्ट्री, फैक्ट्री होता क्या है, फैक्ट्री मतलब कुछ वहाँ पर बनता नहीं है, जैसे मानिए कोई व्यापारी कंपनियाँ हैं तो पूरे का पूरा देश से व्यापार करके जो व्यापार वाली जो वस्तुएं हैं उसको एक जगह रखना पड़ता है और वहाँ से वह ट्रांसपोर्ट होगा। तो वहाँ जहाँ पे जो व्यापारिक चीज़ें हैं जहाँ पे रखी जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कारखाना बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फैक्ट्री बोलते हैं। तो फैक्ट्री के बाद किला क्या होता है, तो फैक्ट्री है जहाँ पे जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं वह रखी गई है निर्यात करने के लिए, उसका सुरक्षा करने के लिए उसको फोर्टिफाइड किया जाता है, घेरा किया जाता है उसको, उसी को हम लोग बोलते हैं फोर्ट। ठीक है, आपको बाद में ये चीज़ें जो है समझ में भी आएंगी। अगर बात किया जाए 1620 में दोनों देशों के बीच जो है, पुर्तगाल और किसके बीच में, तो ब्रिटिश के बीच में एक नौसैनिक युद्ध होता है। यह और फिर इस युद्ध में आपको ऑब्वियस ही बात है कि जो अंग्रेजी जो सेना है वह जीत जाती है। एक तरफ आप देखते हैं क्यों जीतती है, यहाँ पे अगर आप एनसीईआरटी को गहराई से पढ़िएगा, जीतने का महत्वपूर्ण कारण यही है, यह जो शाही फरमान है, शाही फरमान मिल गया मतलब ऑब्वियस ही बात है कि इंडिया में उसकी जो ट्रेड वाली जो स्थितियाँ हैं वह इम्पॉर्टेंट हो गई, वह मजबूत हो गई। ट्रेड से आता है पैसा और पैसे के माध्यम से आप अपने सेना को सुव्यवस्थित करके किसी को भी हरा सकते हैं। तो 1620 में जो लड़ाई होता है पुर्तगालीज के बीच में और अगर देखा जाए ब्रिटिश के बीच में, इसमें जीत कौन जाता है, तो जो ब्रिटिश है वह जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको एक तरह का शाही फरमान मिला हुआ था ट्रेड का, ट्रेड से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था और इसी पैसा को वह युद्ध में भी लगा करके आसानी से पुर्तगालियों को हरा देते हैं। अगर हम लोग आगे बैठे देखें तो यह जो पूरा का पूरा जो सीन है उस समय का एक पेंटिंग है जिस समय यह फरमान मांगा जा रहा था वही है। अब इन्होंने क्या किया, डचों के साथ संधि भी की। भारत में दो शक्तियों के बीच रुक रुक कर चलने वाला युद्ध जो कि 1654 में स्टार्ट होता है, 1667 में समाप्त हुआ जब अंग्रेजों ने क्या किया, इंडोनेशिया पर सभी दावे छोड़ दिए। आपको पता होगा थोड़ा देर पहले बतला रहे थे डच जो है इंटरेस्टेड किस में था, तो मसालों में, और मसाला का मसाला द्वीप जो है वह कहाँ पे है, तो जावा सुमात्रा, या फिर जो स्पाइस आइलैंड है वह आपका कहाँ पे है, तो इंडोनेशिया में है। और इसलिए दोनों के बीच में जो युद्ध होता है, जो प्रतिद्वंद्वता का जो युद्ध होता है 1654 में स्टार्ट होता है और जा करके अगर देखें आप तो 1667 में लंबा समय यह युद्ध चलता है करीब 13 साल। और इसमें लास्टली जो ब्रिटिशर्स हैं वो बोल देते हैं कि आपको इंडोनेशिया में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इंडोनेशिया में जो भी दावा है हम उसको छोड़ रहे हैं। और डच भारत में अंग्रेजी बस्तियों को छोड़ने के लिए क्या हो जाते हैं, तो सहमत हो जाते हैं। दोनों में एक तरह का संधि हो जाता है और लास्टली 1795 तक उन्होंने डचों को भारत में अंतिम कब्जे से भी बाहर निकाल लिया। 1795 का जो युद्ध हुआ था इसके बारे में आप देखते हैं यहाँ पे चर्चा भी किया गया है। ये जो चिनसूरा का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध के बाद में अगर आप देखें तो कुछ जो पूरी की पूरी जो शक्तियाँ थी डचों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो गई थी और फाइनली अपना बूढ़ा बिस्तर बांध करके 1795 तक आपको डच जो है भारत में, उसके बाद आपको डच जो है नहीं दिखेंगे। 1795 में फाइनली जो है यह डच जो है भारत से निकल जाते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार और प्रभाव का विकास जो कि 1600 से लेकर के 1744 तक का करीब 150 साल में यह जो कंपनी थी सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो व्यापार सेंट्रिक थी, सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो ट्रेड सेंट्रिक कंपनी के रूप में थी। बाद में जो है ये जो स्थितियां कुछ चेंज होती है अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इतना लंबा समय 150 साल का समय करीब है, उसके बीच में जो है क्या होता है इसको हम देखने का काम करेंगे। करीब 144 साल, करीब 150 साल के बीच में कैसे जो ट्रेड है वह बढ़ता है। ठीक है, अगर बात किया जाए ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो कंपेयर अगर हम लोग करते हैं पुर्तगाली से, तो इनका एक हम्बल शुरुआत हुआ था, एक इनका नॉर्मल शुरुआत हुआ था। वहीं अगर आप कंपेयर कीजिएगा पुर्तगाली से, तो बल का प्रयोग वह शुरू में ही करना शुरू कर दिए थे। 1687 तक सूरत इसके व्यापार का केंद्र था,
जो यह जो कंपनी आती है 1687 तक, जो मेन केंद्र जो शुरुआती केंद्र का देखा जाए, शुरुआती सेंटर देखा जाए उस समय ट्रेड का, तो सबसे पहले क्या था, तो सूरत था। इसी अवधि के दौरान अंग्रेज मुगल अधिकारियों के समक्ष याचिकाकर्ता बने रहे। शुरुआत में देखो यह क्या है, तो नॉर्मली रिक्वेस्ट करते थे। 1623 तक उन्होंने सूरत, ब्रोच, अहमदाबाद, आगरा और मसूलुपट्टनम में क्या कर लिए थे, तो कारखाने स्थापित कर लिए थे। कहाँ कहाँ पे, तो आपको ध्यान में रखना है, सूरत में, भरूच में, अहमदाबाद में, आगरा में और कहाँ पे, तो मसूलीपट्टनम में। 1623 तक जो है यह जो है क्या कर लेते हैं, तो लेकिन अभी जो सेंटर इनका क्या बना हुआ है 1687 तक, जो मेन सेंटर है वह आपका सूरत ही है। लेकिन अगर बात किया जाए इनकी फैक्ट्री कहाँ कहाँ पे है 1623 तक, तो इन सभी जगह पे है, सूरत में है, भरूच में है, अहमदाबाद में है, आगरा में है और कहाँ पे है, तो मसूलीपट्टनम में है। हेडक्वार्टर अभी शुरुआती दौर में, इनिशियल स्टेज में इनका कहाँ है, तो आप समझ सकते हैं 1687 तक इनकी जो जो हेड सेंटर रहता है वह आपका सूरत ही बना हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, इतना आपको समझ में आ ही रहा होगा, इनिशियल स्टेज का बात हो रहा है। अगर देखें मुगल एक बाधा के रूप में, जैसे कि मान लीजिए 1625 में सूरत में कंपनी के अधिकारियों ने अपने कारखाने को मजबूत करने का प्रयास किया, लेकिन अंग्रेजी कारखानों के प्रमुखों को तुरंत कैद कर लिया गया और मुगल साम्राज्य के स्थानीय अधिकारियों के द्वारा बेड़ियों में डाल दिया गया, जो अभी भी अपने जोश में था। मतलब मुगल इंपायर अभी भी क्या था, अपने फुल फ्लेज में था, अपने क्लाइमेक्स में था। और वहाँ पर जैसे ही फोर्टिफिकेशन का कोशिश किया जाता है, कुछ अगर सेना तो सेना वाली जो गतिविधियाँ होती है वैसा करने का कोशिश किया जाता है, तो सबसे पहला इंटरप्शन जो है किसके द्वारा किया जा रहा है, तो मुगलों के द्वारा। साल है कौन सा 1625, जगह कौन सा आपका है, तो सूरत। अगर देखा जाए साउथ वाज मोर फेवरेबल, अब देखो जो ऑब्वियस ही बात है कि सूरत मुगल के पहुंच से नजदीक है और साउथ तक मुगल का अभी पहुंच नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है कि अब इनको दिमाग में आ जाएगा कि अभी अगर हमको भारतीय भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करना है तो हमको साउथ का क्या करना पड़ेगा, तो रुख करना पड़ेगा, दक्षिण का ही हमको रुख करना पड़ेगा। वहाँ देखा जाए दे डू नॉट हैव टू फेस ए स्ट्रॉन्ग इंडियन गवर्नमेंट दियर, वहाँ पे आपको मुगल शासक जो है वहाँ पे आकर आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। द ग्रेट विजयनगर किंगडम हैड बीन ओवर थ्रोन इन, अगर बात किया जाए तो इसको ओवरथ्रोन कर दिया जाता है कि कब, तो 1565 में, एंड इट्स प्लेट्स टेकन बाई नंबर ऑफ पीटी एंड पेटी एंड वीक स्टेट। एक सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेट है विजयनगर, 1565 तक वह क्या हो चुका है, तो पतन की तरफ चल गया है और उसके जगह पे बहुत सारे धीरे छोटे छोटे स्टेट निकल करके आ रहे हैं। छोटे स्टेट कहीं से भी आपको ज़्यादा चैलेंज नहीं देंगे, इसलिए जो फेवरेबल कंडीशन कौन हो जाता है ब्रिटिशर्स के लिए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, तो वह जो जगह कौन सा है, तो साउथ का जो जगह है वह कहीं से भी आपका नॉर्थ वाला जगह नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे जो प्रभुत्व है किसका, मुगलों का प्रभुत्व बहुत ज़्यादा वहाँ पे है। इस बात को आपको समझने के लिए कि मुगलों का प्रभुत्व जो है वह वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए साउथ इनके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होता है। कारण क्या था, अगर आपसे कारण पूछा जाए तो आप एक लाइन में बता सकते हैं कि 1565 में ही जो विदर्भ का जो सबसे इंपॉर्टेंट किंगडम था विजयनगर, उसकी क्या हो चुकी है, तो पतन हो चुका है, वह अब थोड़ा सा डिमिनिश हो चुका है। फैक्ट्रीज के बात करें तो दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में खोली। आप अगर शुरुआती एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आप सूरत याद रखते हैं 1608 में सूरत में, बट वह कंपनी कभी बंद ही नहीं पाया था। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहली कंपनी जो इनका कहाँ था, तो मसूलीपट्टनम में था, ना कि सूरत में था। शुरुआती छोटे क्लास की एनसीईआरटी में सूरत लिख करके लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन सूरत में कोशिश किया गया था, फैक्ट्री बंद नहीं पाया था। सक्सेसफुल कब होता है, तो 1611 में, जगह कौन सा होता है, तो मसूलीपट्टनम में। लेकिन जल्दी उन्होंने अपनी गतिविधियों का केंद्र मद्रास स्थानांतरित कर दिया। आपको पता होगा कि आपको हम बता रहे थे कि शुरुआती हेडक्वार्टर जो कहाँ पे था आपका, सूरत में था। आपको अगर क्रोनोलॉजी अगर आपको हिस्ट्री में याद रहता है तो आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझते हैं। 1600 अगर बात किया जाए 1611 में मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री खोली जाती है। जो केंद्र है ब्रिटिश पावर का, जो केंद्र है वह सूरत से ट्रांसफ़र कहाँ हो रहा है, तो मद्रास। क्यों ट्रांसफ़र हो रहा है, आपका दिमाग जवाब दे रहा होगा, क्योंकि 1565 से ही जो साउथ में जो विजयनगर एम्पायर है उसका क्या हो रहा है, तो फॉल हो चुका है। वहाँ पे उसको चुनौती देने वाला मुगल साम्राज्य के जैसा कोई बहुत विशेष कोई कोई आपका जो विशेष कोई वंश नहीं बचा, कोई शासक नहीं बचा, इसलिए अपना जो
कंपनी जो है जिसका जो हेड क्वार्टर है अभी कहाँ शिफ्ट कर ले रहे हैं, तो साउथ में शिफ्ट कर ले रहे हैं। कहाँ शिफ्ट कर ले रहे हैं, तो मद्रास में शिफ्ट कर ले रहे हैं। 1639 में स्थानीय राजा, अगर देखा जाए लोकल जो जो राजा वन है इन द हियर द इंग्लिश बिल्ट ए स्मॉल फोर्ट अराउंड दियर फैक्ट्री कोल्ड फॉर, उसको क्या बोलते, फोर्ट सेंट जॉर्ज बोलते हैं। तो आपको समझना है कि सबसे पहला फोर्ट जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया वह फोर्ट कौन सा हो सकता है, तो वह फोर्ट जो है कहाँ पे, तो मद्रास में आप इसको देख सकते हैं। और मद्रास में कौन सा होगा, तो सेंट जॉर्ज जो होगा यह इसका पहला फोर्ट होगा, पहला किला जो है यही होने वाला है। इसको आपको समझने के लिए है। तो सबसे पहली फैक्ट्री कभी भी आपको नहीं समझने के लिए है कहाँ पे, सूरत में। अगर बात किया जाए तो मसूलीपट्टनम में सबसे पहला इम्पॉर्टेंट हेड क्वार्टर का अगर बात किया जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहला सूरत, लेकिन सूरत में इंटरफेरेंस के कारण से यह जो जो एक क्रोनोलॉजी है इसको ध्यान में रखेंगे। सेकेंड कहाँ हो जा रहा है आपका, तो मद्रास में हो जा रहा है। मद्रास में जो स्थानीय राजा इसको परमिट कर देते हैं 1639 में, अगर सबसे पहला जो फोर्टिफिकेशन जो होता है, अगर आपसे डीप में जाकर के प्रश्न पूछे कि पहला फोर्टिफिकेशन कहाँ भी होता है, तो यह भी होता है साउथ में। उस फोर्टिफिकेशन का नाम क्या होता है, तो आप इसको भी समझ सकते हैं। इसका जो नाम है सेंट सेंट जॉर्ज फोर्ट सेंट जॉर्ज, जिसका पहला क्या होता है, तो फैक्ट्री, पहला फोर्टिफाइड फैक्ट्री भी होता है। तो इतना चीज़ें आपको समझने के लिए है। प्रश्न यहाँ से बहुत अच्छा बन सकता है कि पहली फैक्ट्री, पहला हेड क्वार्टर, दूसरा हेड क्वार्टर और व्हाट। फिर अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए तो क्यों, क्या कारण था कि नॉर्थ में ये अपने हेड क्वार्टर को रिटेन नहीं कर पाए, साउथ की तरफ क्यों बढ़ें, आपको ये बातें जो है क्लियर कट अब जो है पता जरूर चल रही होंगी। अगर देखा जाए ईस्टर्न इंडिया का बात करते हैं, ईस्टर्न इंडिया वहाँ पे बात करते हैं हिज, अब ईस्टर्न इंडिया में अगर आपसे पूछा जाए कि पहला फैक्ट्री कहाँ पे खोला गया, तो इंग्लिश कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना खोला था। और हम यकीन मानिए अगर ऑप्शन में बंगाल लिख दिया जाए तो मैक्सिमम जनता बंगाल में टिक करके आ जाएगा कि उड़ीसा में नहीं बंगाल में हुआ होगा। 1633 में सबसे पहला जो कंपनी है वह कहाँ पे खुलता है, तो ईस्टर्न इंडिया में, कहाँ पे, उड़ीसा में। 1651 में हुगली में, देखो हुगली में प्रवेश कब होता है, बंगाल में प्रवेश कब होता है, 18 साल बाद। 1633 में ईस्टर्न इंडिया में सबसे पहली बार उड़ीसा में, बंगाल में सबसे पहली बार आते हैं, कब आते हैं, तो 1651 में। और 1651 में भी यह कहाँ पे आते हैं, तो वह जो जगह है आपको समझना है कहाँ पे आते हैं, तो हुगली में आते हैं। हुगली जो बंगाल में है वहाँ पे 1651 में आते हैं। इसको आप माइन्यूटली समझेंगे, इट सून ओपेंड। अब देखिए पटना में फैक्ट्री खुलेगा, पटना में एक और फैक्ट्री का हम बात किए थे, डच फैक्ट्री का बात किए थे, डच सेटलमेंट का बात किए थे, पुर्तगालियों का सेटलमेंट आपको यहाँ पे बात नहीं किया गया है। बालासोर में, ढाका में भी खुल गया। अब ईस्टर्न इंडिया में और इनका जो इंटरनल पार्ट है वहाँ पे जाते हैं। और अगर देखा जाए इट नाउ डिजायर डेट इन बंगाल टू इट शुड हैव एन इंडिपेंडेंट सेटलमेंट, और धीरे धीरे वह उनकी एक इच्छा बनती है कि बंगाल में क्या हो, तो उनका एक इंडिपेंडेंट किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस वाला सेटलमेंट नहीं हो, क्योंकि बंगाल जो है नेचुरली काफ़ी ज़्यादा मतलब एक स्ट्रांग प्लेस है, और वहाँ से जो गतिविधियाँ हैं ट्रेड की उसको भी आप कर सकते हैं। और जो मार्केट है, जो ईस्टर्न इंडिया का मार्केट है, उसको कंट्रोल करने के लिए अगर आपका कंट्रोल बंगाल के ऊपर में है तो आप बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अभी तक इनकी मनसा जो है ट्रेड करने की ही है, मैक्सिमम मुनाफा कमाने की है, बट किस तरह से, ट्रेड के माध्यम से। इसलिए इनकी इच्छा होती है कि वहाँ पे एक स्वतंत्र सेटलमेंट, इंडिपेंडेंट सेटलमेंट को क्या कर लिया जाए, तो बना लिया जाए। अगर हम लोग आगे बढ़ें और देखते हैं कि सबसे पहले ब्रिटिश शासन के लिए झटका एक कब आता है, आप समझेंगे 1651 में हुगली में क्या कर लेते हैं, तो अपना जो है अपनी जो स्थितियां हैं उसको मजबूत करने की कोशिश करते हैं। सबसे देखो कोई भी चीज़ अगर आप आगे बढ़ते हैं आपको झटका, सिटबैक, जो आपकी बुराई है, ये सब चीज़ होते रहेंगी लाइफ में, सबके साथ में, चाहे वह देश के स्तर पे हो, स्टेट के स्तर पे हो, डिस्ट्रिक्ट के स्तर पे हो, चाहे वह इंडिविजुअल स्तर पर हो, सेटबैक आपको लगेगा, झटका आपको लगेगा। तो अंग्रेजी जो आगे 200-300 साल तक हम लोगों पर रूल करने वाले हैं, अगर बात किया जाए जो अंग्रेज हम लोगों को आगे आने वाले कुछ समय तक रूल करने वाले हैं, उनको भी झटका लगता है। कैसे वह झटका से उभरते हैं, आप हिस्ट्री से अपना भी लाइफ को कंपेयर करके बहुत चीज़ सीख सकते हैं। 1646-86 में अगर देखा जाए अंग्रेजी और मुगल सम्राट के बीच में क्या हो गई, शत्रुता शुरू हो गई। साउथ में वह ठीक से थे, इनका सेंटर अभी कहाँ पे था, मद्रास में था, वहाँ पे फोर्टिफिकेशन भी करना क्या कर चुके थे, तो शुरू कर चुके थे, सेंट फोर्ट जॉर्ज जो है वहाँ पे बना चुके थे। अब शत्रुता यहाँ पे बढ़ जाती है, सम्राट के खिलाफ इन्होंने क्या किया, युद्ध की घोषणा कर दी। और सम्राट कौन है बाबू, औरंगजेब है। अब एक तरफ औरंगजेब जिसके पास
जो मुगल शासक में अगर देखा जाए सबसे बड़ा साम्राज्य, सबसे ज्यादा जो जो अगर प्रांत इसी के पास में था, उससे इनकी शत्रुता शुरू हो जाती है। और यह जो युद्ध है काफी विनाशकारी होगी ही, ऑब्वियस सी बात है कि आप औरंगजेब के सामने में टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि औरंगजेब बैठा हुआ है नॉर्थ में। औरंगजेब का जो पूरे का पूरे जो जो शासन का जो एरिया है वह काफी वाइटल है, काफी बड़ा है, छोटा मोटा कैलिकट जैसा वह कुछ शासक नहीं है कि आप जाइएगा समुद्र में और जाकर के उस पर बॉम्बार्ड कीजिएगा, उसके ऊपर प्रेशर बनाइएगा। ऐसी स्थितियाँ दिल्ली में नहीं होने वाला, ऐसी स्थितियाँ मुगल सम्राट के साथ में आपका नहीं होने वाला। बुरी तरीके से हारते हैं। साल होता है क्या तो 1686। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखें तो फॉर्मेशन ऑफ कलकत्ता के बारे में देखते हैं। तो यहाँ से प्रश्न भी पूछता है कि कलकत्ता का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो 1698 में द कंपनी एक्वायर्ड जमींदारी मिलता है तीन विलेज का। तीनों विलेज का नाम जो है आपको एकदम ध्यान में रखने के लिए है। पहला है सुतानती, दूसरा है कालीकत्ता, और क्या गोविंदपुर। तीनों का नाम आपको ध्यान में रखना है, आपको इसको भी ध्यान में रखना है, 1698 को भी आपको ध्यान में रखना है, 1698 को भी आपको ध्यान में रखने के लिए है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसी जमींदारी मिल जाती है किसको, तो ब्रिटिशर्स को, तीन एक विलेज होता है, सुतनती, कालीकत्ता और गोविंदपुर। बार बार इसको समझते हैं आप लोग, एस के जी के माध्यम से याद रखेंगे, सुतनती, कोलकाता और गोविंदपुर। वहां पे जैसे ही कारखाना वहां बनता है और यहाँ पे होता है फोर्ट विलियम का निर्माण, तो दूसरा जो फोर्टिफाइड फोर्ट है अंग्रेजों का वह कौन आपका है, तो फोर्ट विलियम है। पहला कौन होता है, तो सेंट फोर्ट जॉर्ज होता है, जो कहाँ पे आपको होता है, तो मद्रास में होता है। दूसरा कलकत्ता में निर्माण होता है। कलकत्ता का निर्माण कैसे होता है, यही तीनों जो विलेज है उसको मिला करके एक नया जो आपका जो जो नया सिटी जो है कलकत्ता का, जब भी का जो सिटी है उसका निर्माण देखा जाए तो 1698 में अंग्रेजों के द्वारा किया जाता है, और वहां पे बनाया जाता है आपका फोर्ट विलियम। अब गांव जो है जल्दी ही क्या हो जाता है, तो शहर बन जाता है, जिसको हम लोग कलकत्ता के नाम से जानते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज जो होती है स्थितियाँ कि 1717 अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे होता है कि अब ग्रेटर मुगल का दौर नहीं रहा। आप पढ़ चुके हैं, आपको पहला क्लास में मुगल वंश का पतन में पढ़ाए थे कि 1707 के बाद में जो भी मुगल शासक जो बनते हैं उसमें उनमें कहीं ना कहीं उतनी शक्तियां नहीं रहती, मैनेजमेंट उतना सही नहीं रहता। क्यों मैनेजमेंट सही नहीं रहता, इसके बारे में भी आपको बताया गया है, कैसे वह पिछड़े हुए रहते हैं। अब यहाँ पे कौन बन जाता है, फर्रुख सियार। किस स्थिति में फर्रुख सियार शासक बनता है, अच्छे से डिस्कस किया गया है, आप क्लास जो लेक्चर नंबर 1 है उसको जरूर देखेंगे, वहां आप समझेंगे कि कैसे नोबल्स का जो रोल है, जो दरबार में जो नोबल्स का जो पहले अधीन रहते हैं शासक के, जब मुगल व्यवस्थाएं कमजोर हो जाती है, कुछ गलतियां की जाती है औरंगजेब के द्वारा, कैसे जो वहां के जो नोबल्स हैं वह सर उठाना शुरू कर देते हैं, कैसे किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं, इसकी चर्चाएं क्लास 1 में जो है बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। अब है फर्रुख सियार एक फरमान जारी करता है, कब, तो 1717 में। 1691 में कुछ विशेषाधिकार दिया गया था इनको और उन्हें गुजरात और दक्कन तक विस्तृत करने वाला एक फरमान प्राप्त किया। अगर हम लोग बात करते हैं कि इसमें होता क्या है, इन 1717 द कंपनी सिक्योर्ड फ्रॉम इंपीरियर फरूख सियार ए फरमान कन्फर्मिंग द प्रिविलेज ग्रांटेड इन 1691। ध्यान से देखो, जो इनको ग्रांट दिया गया था 1691 में उसको तो यह फरमान पुष्टि करता ही है, उसको तो ग्रांट करता ही है, साथ ही साथ और क्या करता है, गुजरात और दक्कन में भी उसको स्टेंड कर देता है। मतलब कि 1691 में आप समझ रहे हैं, उसके माध्यम से 1698 में तीन जगह का इसको जमींदारी मिल जाता है, सुतनती का, कालीकत्ता का, गोविंदपुर का। अब इनका जो अधिकार है कहाँ से निकल करके, तो आप समझ सकते हैं कि जो बंगाल है उससे निकल करके दक्कन में पहुंच गया, उससे निकल करके गुजरात में पहुंच गया। तो ये जो अधिकार है काफी इंपॉर्टेंट था, जिसको हम लोग जानते हैं फर्रुख सियार के द्वारा दिया गया गोल्डन फरमान के नाम से आप इसको जानते हैं, जो दिया कब गया था, तो 1717 में, और इस डेट को भी आपको नहीं भूलने के लिए। अगर हम लोग आगे देखें कि ये पूरा का पूरा जो जो उस समय का जो कैसे एक जो कलकत्ता है कैसे डेंसली पॉपुलेटेड हो जाता है, आप देख सकते हैं कि ये जो नदी है हुगली नदी है यहाँ पे, और कैसे है उस समय का जो एक मैप है कि कितना डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, कैसे जो शहर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये उस समय का एक जो है इमेज आपको दिखलाया गया है। आगे अगर हम लोग देखें कि वाणिज्यिक विकास, भले ही कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जो थी वह विफल हो गई, लेकिन इसका जो वाणिज्यिक जो कॉमर्शियल अफेयर था वह पहले की
की अपेक्षा बहुत ज़्यादा क्या हुआ तो फला और फूला। नॉर्मली एक जो डेटा यहाँ पे दिया गया है कि भारत से इंग्लैंड में इसका आयात 1708 में 5 लाख पाउंड से बढ़ करके 1740 में देखो कितना ज़्यादा, ठीक है ना, यहाँ पे 1 करोड़ 7 लाख 95 हज़ार, 17 लाख 95 हज़ार, ठीक है। अगर 1708 में कहाँ कितना है तो 5 लाख है, और जैसे ही सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो 32 सालों में जो आयात है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कितना हो जाता है तो 17 लाख पाउंड के अप्रोक्स में हो जाता है। तो इतना ज़्यादा आप समझ रहे हैं कि वाणिज्यिक रूप से कॉमर्शियल अफेयर कितना ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है ब्रिटिशर्स का। आपको जो डेटा है उस समय का, डेटा गवर्नमेंट डेटा ही होता है मतलब, लेकिन इससे ज़्यादा ही आपको बढ़ चढ़ करके आपको मानना पड़ेगा, इतना ज़्यादा जो है इसका विकास होता है। राजनीतिक रूप से अभी भी ये काफ़ी क्या है तो वीक हैं, मतलब इनका कोई भी मनसा जो है पूरा होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी जो 1708 का समय है, 1707 में तो औरंगजेब का ही क्या हुआ है तो मृत्यु हुआ है, 1707 के बाद में बहादुर शाह वन जो 6 साल तक शासन करता है वह भी एक माना जाए तो एक एबल ही राजा था। उस समय तक भी जो दरबारी लोग थे सर अपना नहीं उठा रहे थे, बहादुर शाह के बाद ही क्या होता है तो जो दरबारी हैं अपना सर उठाना शुरू कर देते हैं। तो 1708 से लेकर के 1740 में बेतहाशा वृद्धि होती है किसकी, तो आपका ट्रेड की। अगर देखा जाए इम्पॉर्टेंट सिटी जब आपको ध्यान में रखने के लिए है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना पड़ेगा। मद्रास, बम्बई और कलकत्ता ब्रिटिश बस्तियाँ जो है यहाँ पर बन जाती है। अगर बात, इट शुड ऑल्सो बी नोटेड डैट दीज 3 सिटीज कॉन्फेंड फोर्टिफाइड इंग्लिश सेटलमेंट, दे ऑल्सो हैड इमीडिएट एक्सेस टू सी वेयर इंग्लिश नेवल पावर रिमेंड फार सुपीरियर टू डेट ऑफ द इंडियंस। ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, चाहे आप कलकत्ता को देखें, चाहे आप बॉम्बे को देखें, चाहे मद्रास को देखें, यह इंपॉर्टेंट जगह तो इनको बन ही गया। महत्वपूर्ण है क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश बस्तियाँ यहाँ पे बसाई गई और ये सब जो जगह थी यह जगह समुद्र के किनारे में थी, और अभी भी इंडियन कोई भी इंडिया इंडिया का कोई भी शासक इस स्थिति में नहीं था उनके नेवल पावर को यहाँ पर चुनौती कर सके, क्योंकि इसके बगल में था समुद्र और समुद्र से इन लोग कैसे कंट्रोल करते थे एरिया को, इसके बारे में को बताया गया है। जैसे कुछ टेंस सिचुएशन हुआ करता था यह जाते थे अपने जो आर्मरी वाला जो इनका जो होता था जहाज, उस पर जा करके सीधे शहर पर बॉम्बार्ड करवाया करते थे। इससे वहाँ का राजा जो है उसका जो वीकनेस साबित होता था और वह इनकी हर एक बात मानने के लिए तैयार हो जाया करते थे। तो मद्रास, बम्बई और कलकत्ता इनका एक इम्पॉर्टेंट जगह जो है बन करके निकल गया, यहाँ पे इनकी जो पकड़ है वह काफ़ी आपको मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे अगर हम लोग बढ़ने का काम करते हैं, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी का आंतरिक संगठन, कैसे कंपनी जो है अंदर से काम कर रहा है, कैसे कंपनी को इतना बेनिफिट हो रहा है, इसको भी समझना पड़ेगा। तो 1600 के चार्टर ने, जो 1600 का जो चार्टर के बारे में जो डिस्कस किया गया था कि आपको एक अधिकार दिया गया है पूरी महारानी एलिजाबेथ के द्वारा, कि आपको एक अधिकार दिया गया है क्या कि आप जाकर के ईस्टर्न पार्ट में आप ही शिफ्ट ट्रेड कर सकते हैं, उसको 15 वर्ष की अवधि के लिए, ठीक है ना, 15 वर्ष की अवधि के लिए केप ऑफ गुड होप के पूर्व में व्यापार करने का विशेष अधिकार मिला। देखते हैं यह जो चार्टर एक्ट है 1600 का, इससे होता क्या है कि आप 15 साल तक जा करके केप ऑफ गुड होप के जो पूर्वी जो क्षेत्र है वहाँ पे आप जा करके विशेष अधिकार आपको मिला हुआ है, आप ही को यह अधिकार मिला हुआ है कि जा करके आप क्या कर सकते हैं वहाँ पे जो अपने ट्रेड है उसको कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कंपोजिशन क्या था, अब आपको इंटरनल चीज़ें समझाई जा रही है कंपनी रन कैसे कर रहा है। अगर बात किया जाए कंपोजिशन का, द चार्टर प्रोवाइडेड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बाय ए कमिटी, एक उसमें गवर्नर हुआ करता था, एक उसमें डिप्टी गवर्नर हुआ करता था, और 24 मेंबर्स टू बी इलेक्टेड बाई ए जनरल बॉडी ऑफ मर्चेंट्स फॉर्मिंग द कंपनी। समझो इसको, ये जो कंपनी है, एक कंपनी आकर के इंडिया में कैसे अपने आप को बढ़ा रहा है तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने का काम करेंगे। इस कंपनी में छोटी सी जो कंपनी है, जो ट्रेड कंपनी है, उसमें एक गवर्नर है, एक डिप्टी गवर्नर है और 24 और मेंबर हैं जो कि गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की क्या कर रहे हैं तो डिफरेंट फील्ड में हेल्प कर रहे हैं। उनका चुनाव कैसे हो रहा है, जो मर्चेंट कंपनी था, जो मर्चेंट्स थे वही इनको क्या कर रहे हैं, एक नॉर्मल सा एक साधारण सभा के माध्यम से इनको चूज किया कर रहे थे। तो इंटरनली आप देखिए, जहां जो चार्टर एक्ट है, कौन वाला चार्टर, हम लोग वाला चार्टर एक्ट नहीं, जो मर्चेंट्स को जो दिया जा रहा है महारानी के द्वारा, ठीक है ना, उसके बारे में वह 15 साल के लिए पहले ट्रेडिंग का अधिकार दे दिया, दूसरा अंदर में कैसे वर्क हो रहा है तो एक गवर्नर है, एक डिप्टी गवर्नर है, 24 और मेंबर हैं, और इस मेंबर को चूज करने का काम कौन कर रहा है तो मर्चेंट्स लोग के द्वारा ही ये चूज किए जा रहे हैं। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं,
प्रॉफिट ओरिएंटेड। तो 1601 और 1612 के बीच इसके लाभ की दर कितनी थी बाबू? तो शुरू में 20% प्रतिवर्ष थी। 20% बहुत ज्यादा लाभ होता है, बहुत ज्यादा होता है। 16 जो ये जो ट्रेड हो रहा था ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो 20% प्रतिवर्ष जो इसका था ट्रेड हो रहा था। 1612 में कंपनी ने, अगर बात किया जाए, $2,00,000 की पूंजी पर 10 लाख का लाभ कमाया। पूरी 17वीं सदी के दौरान मुनाफे की दर क्या थी? तो काफी ज्यादा थी। तो मतलब 2 लाख पूंजी लगा रहा है कोई और 10 लाख उसको फायदा हो रहा है, तो बहुत ज्यादा जबरदस्त फायदा है ये, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं 20% की दर से आपका ट्रेड बढ़ रहा है, बेनिफिट भी आपको बेतहाशा हो रहा है। अब जो है यहाँ पे रिश्वत संस्कृति जो है, ब्राइब कल्चर जो है, राजाओं ने अपने प्रभाव बड़ी कंपनियों पर डाला, जिन्होंने उन्हें और अन्य प्रभावशाली राजनीतिक नेताओं को भारी रिश्वत दी। 1609 से 1676 तक कंपनी ने चार्ल्स द्वितीय को 1,70,000 पाउंड का ऋण भी दिया। मतलब कि ये जो कंपनी में जो लोग हैं उसमें जो लोग शामिल होना चाह रहे थे, कम से कम हमको भाई 24 जो मेंबर है उसमें हमको क्या कर दिया जाए, मेरा भर्ती हो जाए। क्यों? क्योंकि ये ट्रेड आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा क्या है, तो लाभकारी है। 1612 से लेकर के आपको बताया गया है कि जहाँ पे आप 2 लाख का पूंजी लगा रहे हैं तो ऑन द एवरेज आपको 10 लाख का मुनाफा मिल रहा है। तो सभी लोग चाहेगा कि हमको ट्रेड, इस ट्रेड में हम भी क्या हों, तो शामिल हों। और चार्ल्स द्वितीय जो वहाँ का जो राजा है उसको ऋण दे करके, उसको ब्राइब दे करके लोग इस ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा जो है जुड़ना जो है चाह रहे हैं। मतलब कि आप देख रहे हैं कि जो रिश्वत वाली जो संस्कृति है यहाँ पे जो है आपको होता हुआ दिखाई देगा। राजाओं ने इस कंपनी से जो बेनिफिट हो रहा है उस पर नजर बनाते हुए ब्राइब देना शुरू किया और उन्हीं लोगों को इस कंपनी में शामिल किया गया जो राजा को क्या दे रहे हैं, तो कंटिन्यूअसली ब्राइब देने का काम कर रहे हैं, रिश्वत देने का काम कर रहे हैं। मतलब कि पूरा का पूरा जो झोल है अब यहाँ पे आपको होता हुआ दिखाई देगा। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि चार्ल्स ने इसके पिछले विशेषाधिकारों की पुष्टि करते हुए इसे चार्टर्स की एक श्रृंखला प्रदान की। इस प्रकार कंपनी को व्यापक सैन्य और न्यायिक शक्तियां प्राप्त हो गई। शुरू में क्या मिला है इसको, 15 साल के लिए ट्रेड करने का क्या मिला है, तो अधिकार मिला है। अब जब चार्ल्स जब जो घूस खाया इसके बाद जो है कंपनी की जो स्थितियां है वह और मजबूत हुआ और कंपनी जो है मिलिट्री और जुडिशियल पावर कंपनी के पास में आ गया। इसको समझना होगा कि जब कंपनी यहाँ पे रन कर रहा है इंडिया में, तो वहाँ पे जो रन कर रहा है तो कंपनी कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं है, तो कंपनी को ही राइट दिया गया कि उसके अंदर में जो लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर में न्यायिक शक्तियाँ किसके पास में होगी, तो कंपनी के पास में होगी। जुडिशियल, वहाँ पे कुछ अगर कुछ किसी देश में किसी उपनिवेश में अगर कोई कंपनी काम कर रहा है, ब्रिटिश कंपनी, तो वहाँ पे जो कंपनी की स्थितियों को सुधारने के लिए सेना रखने का अधिकार मिल गया और जो उसके जो वर्कर्स हैं, जो उसके जो मेंबर्स हैं, उसके ऊपर में कौन कौन सा रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई होगा इसका अधिकार किसको मिल जाता है, तो कंपनी को मिल जाता है। कब? तो जब चार्ल्स द्वितीय चाहता है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं कि राइज ऑफ अगर देखें तो राइज ऑफ एकाधिकार के बावजूद कई अंग्रेज व्यापारियों ने एशिया में व्यापार करना जारी रखा। वे खुद को स्वतंत्र व्यापारी, मतलब कि जो इंटरलोपर्स होते हैं, जबकि कंपनी उन्हें इंटरलोपर्स कहती थी। मतलब कि भले ही इन्हीं को, वेस्ट इंडिया कंपनी को ही क्या मिला हुआ था, एक एकाधिकार मिला हुआ था, लेकिन इसके अलावा प्राइवेट लोग भी आकर के स्वतंत्र रूप से क्या करते थे, तो व्यापार करते थे। इसको हम लोग बोलते क्या है, तो इंटरलोपर से बोलते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि इंटरलोपर से आप क्या समझते हैं, तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो इंटरलोपर वही लोग थे जिनको अधिकार नहीं मिला हुआ था क्राउन के द्वारा, लेकिन फिर भी वे आकर के खुद का स्वतंत्र व्यापार कर रहे थे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इंटरलोपर से बोलते हैं। इन इंटरलोपर्स ने अंततः कंपनी को उन्हें साझेदारी में लेने के लिए मजबूर कर दिया, जबरदस्ती, क्या मेरा भी क्या हो जाए, तो कंपनी में शेयर हो जाए। इस बात को समझेंगे, इंटरलोपर्स वाला कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि इनको 15 साल के लिए जब शुरू में ट्रेड करने का अधिकार मिलता है तो बस इन्हीं को मिलता है, इनके अलावा कोई भी कंपनी आकर के ईस्ट में ट्रेड नहीं कर सकती है। बट होता ऐसा नहीं है, कुछ लोग जबरदस्ती आकर के ट्रेड करना शुरू करते हैं, स्वतंत्र व्यापारी की तरफ जो है ट्रेड करना शुरू करते हैं। इतना ज़्यादा मुनाफा हो रहा था अंग्रेजों को, तो वह कहीं से नहीं चाहते हैं कि हम लोग किसी भी तरह का लड़ाई में, आपसी लड़ाई में अपने आप को कमजोर करें। और इसके बाद क्या होता है कि उनको कंपनी का साझेदार बना लिया जाता है और इन्हीं लोगों को क्या हम लोग बोलते हैं, तो इंटरलोपर्स बोलते हैं। अगर देखा जाए इम्पैक्ट ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ 1688,
स्वतंत्र, अब देखा जाए स्वतंत्र व्यापारी अब अपना मामला जनता और संसद पर दबाव डालने लगे। 1688 तक ये जो स्वतंत्र व्यापारी थे वह क्या करने लगे, पब्लिक पे और पार्लियामेंट पे, कहाँ का पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट पे क्या करने लगे, तो दबाव डालना शुरू करने लगे। द कंपनी डिफेंडेड इट सेल्फ बाई गिविंग हैवी ब्राइब्स टू द किंग। और ये जो दबाव था कि हमको भी क्या मिले, वहाँ के लोग अब देखेंगे कि भाई कुछ लोगों को नॉर्मल सा चीज़ है यहाँ पे, कुछ लोगों को जो है क्या करने के लिए है, व्यापार करने के लिए है, कंपनी जो है कुछ ही लोगों की कंपनी है जो गवर्नमेंट उनको असाइन की है कि आप जाकर व्यापार कर सकते हैं। लेकिन ब्रिटेन का जो और जो जनता है वह भी तो चाहेगा कि हम भी क्या करें, व्यापार करें और भारी मुनाफा हम भी कमाएं, लेकिन दूसरे लोग व्यापार में ना आ जाएं, इसके लिए जो कंपनी है वो भारी रिश्वत देना शुरू कर दिया। किसको, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को, वहाँ के जो शासक हैं उसको। इस बात को आपको समझने के लिए है, अगर देखा जाए इन 1 ईयर अलोन इट स्पेंट $80,000 ऑन ब्राइब्स गिविंग द किंग, कितना, $10,000 इन द इंड दे सिक्योर्ड ए न्यू चार्टर इन 1693। अब देखिए मतलब कि बाहरी लोग, मतलब कि दूसरे लोग जो हैं ट्रेड ना करने लगे, एक छत्र राज जो रहे ईस्ट इंडिया कंपनी का रहे, इसके लिए देखो सबको ब्राइब मिल रहा है, चाहे अगर बात किया जाए पार्लियामेंट के ऑफिशियल को, चाहे वहाँ का राजा हो, सबको ब्राइब दे करके एक फिर से चार्टर एश्योर किया गया। वह कब किया गया, तो 1693 में किया गया। अगर हम लोग आगे बढ़ करके देखें तो रिस्ट्रक्चर, जो जो अगर कंपनी का पुनर्गठन होता है, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ कंपनी होता है, कंपनी के प्रतिद्वंदियों ने एक और कंपनी की स्थापना की जिसे नई कंपनी के रूप में जाना जाता है, जिसको हम लोग न्यू कंपनी बोलते हैं। एक वही जो प्रतिद्वंदी जो चाह रहे थे कि हम लोग को भी क्या मिले, जो राइट मिले कि हम भी व्यापार कर सकें, उनके द्वारा एक कंपनी बनाया जाता है जिसका नाम क्या है, तो न्यू कंपनी। और 1702 में द टू डिसाइडेड टू ज्वाइन फोर्सेस टुगेदर और फॉर्म डे यूनाइटेड कंपनी, मतलब कि जो पहले से भारत के साथ में व्यापार कर रहा था और जो नया वाला जो कंपनी है, जो न्यू कंपनी है, जो इमर्ज कब करता है, तो 1701 में दोनों डिसाइड करता है फाइनली कि हम लोग साथ में मिलकर के क्या करेंगे, तो ट्रेड करेंगे। न्यू कंपनी और पहले वाला कंपनी दोनों साथ में मिलकर के अब क्या करने वाला है, ट्रेड करने वाला है 1702 के बाद। द न्यू कंपनी इंटाइटल्ड द लिमिटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया इंडीज केम इन टू एग्जिस्टेंस इन 1708। और जो ये जो न्यू कंपनी है उसका नाम क्या है, द लिमिटेड, इसका नाम आपको ध्यान में रखना है। 1702 में जो कंपनी निकल करके आ रहा है, पहले वाली कंपनी और अभी की कंपनी, दोनों मिल करके अब भारत के साथ में क्या करेगा, ट्रेड करेगा, उसका नाम क्या है, द लिमिटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। यह जो है बन करके तैयार होता है कब, तो 1708 में। 1701 में न्यू कंपनी बनता है, 1702 में डिसाइड करते हैं कि दोनों कंपनी एक साथ में ज्वाइन होगा, और 1708 में एक नया कंपनी बनता है जिसका नाम क्या हो जाता है, तो द लिमिटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। इसको आपको नहीं भूलने के लिए है, याद रखना है। आगे अगर हम लोग बढ़कर देखें, द गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनीज फैक्ट्रीज इन इंडिया, भारत में कंपनी के कारखानों की सरकार और संगठन। सबसे पहले देखा जाए ए फैक्ट्री ऑफ द कंपनी वाज जनरली ए फोर्टिफाइड एरिया, वही बोल रहे कि भारत में फैक्ट्री का मतलब क्या है, क्या है उस कंपनी का मतलब, स्ट्रक्चर क्या होता था, तो एक फोर्टिफाइड एरिया हुआ करता था छोटा सा, विद इन विच द वेयर हाउसेस, मतलब कि स्टोर, उसमें एक स्टोर होता था, स्टोर जब होगा तो स्टोर कीपर्स होंगे, उनके लिए ऑफिस हुआ करता था, और हाउसेस ऑफ द कंपनी एम्प्लॉय, जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं उनके घर हुआ करते थे। वेयर सिचुएटेड इट इज टू बी नोटेड डेट नो मैन्युफैक्चर वाज कैरिड ऑन दिस फैक्ट्री, नाम है फैक्ट्री, आपको बार बार बतला रहे हैं, यह नॉर्मली एक क्या है, तो वेयर हाउसेस हैं, यह जो नॉर्मली क्या है, तो गोदाम, अंग्रेजी में इसको वेयर हाउस बोलते हैं, हिंदी में गोदाम बोलते हैं, नॉर्मली यह गोदाम हुआ करता था, और गोदाम के देख रेख के लिए कुछ इम्प्लाई रहा करते थे, उन इम्प्लाई को रहने के लिए कुछ घर हुआ करता था, और इम्प्लाई को काम करने के लिए वहाँ पे होता था क्या, तो एक ऑफिस हुआ करता था, इसी को हम लोग बोलते हैं कंपनी, जो कि फोर्टिफाइड हुआ करता था, घेराव की कोई जो बाहरी जो तत्व हैं उसको लूट ना सके, जो गोदाम में जो चीज़ें रखी हुई है ट्रेड के लिए उसको कोई लूट ना सके, तो स्ट्रक्चर यही था। आपको हमेशा ध्यान यही देना है कि इन कंपनियों में कुछ बनता नहीं था, यह नॉर्मली गोदाम था बस। अगर हम लोग आगे देखें, डिवीजन ऑफ वर्कर्स, अब देखा जाए वहाँ पे जो काम करने वाले लोग थे जिसके बारे में बोले कंपनी में वर्कर्स रहा करते थे, तो कंपनी के कर्मचारियों को 3 श्रेणी में बांटा गया था। एक लेखक थे जो कुछ ना कुछ लिखते थे, राइटर्स, कंपनी का जो भी जो बही खाता मेंटेन करने वाले, अगर देखा जाए कुछ फैक्टर्स थे, और क्या थे, तो व्यापारी थे। एक लेखक है, लेखक के साथ में एक
एक काम करने वाला जो कि सामान को इधर रख रहा है उधर ला रहा है सामान को सेटलमेंट करने के लिए, और तीसरे कौन थे तो व्यापारी थे। जब सामान गोदाम में रखा गया तो उसको लेकर के जाने वाले जो लोग थे या जो खरीदने वाले लोग थे जो रॉ मटेरियल्स को या सामान को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो व्यापारी। तो तीन तरह के लोग थे अगर देखा जाए, पहला थे राइटर्स, दूसरे थे कारक फैक्टर्स, और तीसरे अगर देखा जाए तो मर्चेंट्स थे। अगर हम लोग बात करें कैसे एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था इसका फैक्ट्री का, उसके व्यापार के साथ प्रशासन एक गवर्नर इन काउंसिल के द्वारा किया जाता था। गवर्नर इन काउंसिल कैसे, तो एक गवर्नर इन काउंसिल हुआ करता था। द गवर्नर वाज मेयरली द प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल एंड हैड टू पावर अपार्ट फ्रॉम द काउंसिल विच टुक डिसीजन बाई ए मेजोरिटी वोट। देखो मतलब यहां भी आपको दिख रहा है कि मेजोरिटी का चीज है कि एक गवर्नर का काउंसिल होगा, उसको हेड प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। कारक विनोद कुमार कारक कौन थे, कारक वही लोग थे जो जैसे कि आप गोदाम में चीज़ों को जो मैनेज करेंगे, जो ला करके रखेंगे, उसका सेटलमेंट करेंगे, मतलब कि वर्कर्स, वर्कर्स को हम लोग बोलते हैं, जो वर्कर जो मजदूर होते होंगे मजदूर लेवल के लोग, उसको हम लोग कारक बोलते थे, ठीक है। अगर देखा जाए आगे, द काउंसिल कंसिस्टेड ऑफ सीनियर मर्चेंट्स ऑफ द कंपनी। ये जो काउंसिल हुआ करता था, गवर्नर जनरल के काउंसिल में कौन रहते थे तो सीनियर मर्चेंट्स, जो बड़े व्यापारी होते थे वही इस काउंसिल के हिस्सा हुआ करते थे। और इसका जो प्रेसिडेंट होता था वह कौन होता था तो गवर्नर होता था बाद में। और जो डिसीजन लिया जाता था इनके द्वारा, मेजोरिटी का जो डिसीजन हुआ करता होगा वही इनका डिसीजन हुआ करता था। तो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन आप समझ रहे हैं मेरे साथ, और आपको बखूबी समझ में आया होगा, वर्कर्स का डिसीजन समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है गवर्नर काउंसिल के द्वारा। उसका हेड का नाम है गवर्नर, जो कि उसमें और जो लोग हैं उसको हम लोग जो जो सीनियर मर्चेंट्स हैं उसके मेंबर्स हैं, और मेजोरिटी वोट के आधार पर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चलाया जा रहा है। आगे देखते हैं, फिर से वही होता है कि एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल हम लोग देखते हैं कहाँ पे, साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में जाकर के वो आराम से बैठे हुए थे, विजयनगर साम्राज्य का यहाँ पतन हो चुका था, लेकिन जो भी लोग आएगा अभी कतराएगा किधर जाने से, नॉर्थ में जाने से, और जिस कदम पे आगे बढ़ करके इतना अपने आप को मजबूत करने का काम किया है ब्रिटिशर्स ने, उसी कदम पे चलने का कोशिश कौन करते हैं तो फ्रेंच भी करते हैं, ठीक है ना। आप देखिएगा कि मसूलीपट्टनम में ही उनका क्या होता है, तो सूरत और मसूलीपट्टनम में भी इनकी भी प्रारंभिक फैक्ट्रीज होती है, जो कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा ब्रिटिशर्स का भी वही होता है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। हालांकि दक्षिणी भारत में परिस्थितियाँ धीरे धीरे विदेशी साहसी लोगों के लिए अनुकूल होती जा रही थी, जो फॉरेन एडवेंचरर्स थे उनके लिए जो साउथ है वो काफ़ी अच्छा जगह माना जा रहा था, किसी भी तरह का इनको डिस्टर्बेंस नहीं था। वाइल सेंट्रल अथॉरिटी हैड डिसअपीयर्ड फ्रॉम देयर आफ्टर औरंगजेब डेथ। औरंगजेब जो जाकर के वहाँ बैठा हुआ था 1707 में, जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो बाहर के जो एडवेंचरर्स थे बाहर के जो लोग थे उनके लिए साउथ में रहना काफ़ी ज़्यादा आसान होता हुआ जा रहा था। द स्ट्रॉन्ग हैंड ऑफ निजामुल मुल्क असफ जहाँ वॉज ऑल्सो विदड्रॉन बाई हिज डेथ इन 1748। आपको पता है इसके बारे में, कल के क्लास में आपको बताया गया है कि निजामुल मुल्क असफ जहाँ जो है कैसे निकल करके हैदराबाद की क्या करता है तो स्थापना करता है। यह वजीर रहता है मुगल सम्राट का, और जा करके वहाँ पर जब किंग इसके बातों को मानने से तैयार नहीं होते हैं तो वह अपना सोचता है कि जा करके हम साउथ में ही क्या करें, अपनी स्थितियों को मजबूत करें। और इस समय ऐसी स्थितियाँ होती है कि औरंगजेब वहाँ पर नहीं है, और जा करके एक नया राज्य की स्थापना भी आपको यह करता हुआ दिखाई देगा, उसकी भी मृत्यु हो चुकी है, मतलब कोई पावर नहीं है। 1748 में निजामुल मुल्क असफ जहाँ भी मर चुका है। द कर्नाटिक वाज एम्ब्रॉयडर्ड इन फ्रेटरिटी वार्स ऑफ सक्सेशन। और आपको कल भी हम बताए थे कि हैदराबाद प्रोविंस के अंदर में ही कर्नाटिक प्रोविंस आता था, उसके अंदर में ही जैसे ही हैदराबाद अपने आप को मुगलों से अलग कर लिया, वैसे ही जो कर्नाटिक था जो सब डिवीजन था किसका तो हैदराबाद का, वह भी अपने आप को क्या कर लेता है तो हैदराबाद से अलग कर लेता है सेम तरीके से। लेकिन कर्नाटक की जो 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 कर्नाटिक है वहाँ पर स्थितियाँ सामान्य नहीं रहती है हमेशा वही, क्योंकि हमारा जो भी रूलर्स लोग रहे हैं कोई एक नियम नहीं था कि अगला शासक कौन बनेगा, और इसीलिए गृह युद्ध की जो स्थितियां हैं कर्नाटक में भी स्थितियां जो है ऐसी बनी हुई है। अब जो मेन पावर है सब खत्म हो गए, औरंगजेब नहीं है, असफ जहां नहीं है, कर्नाटक भी अपने आप को किसमें इनरोल किए हुए है तो अपना जो 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 गृह युद्ध है उसमें अपने आप को अटैच किए हुए है। तो ऐसी स्थितियाँ जब इंटरनल वीकनेस होती है तो ऐसी स्थितियां सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है बाहरी लोगों के लिए वहां पे अपना प्रभाव को बढ़ाने के लिए, और एक प्रतिद्वंद आपको शुरू हो जाएगा यहां पे जो अंग्रेज हैं और जो फ्रांसीसी हैं कि किसका प्रभुत्व इस क्षेत्र में आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा ज़्यादा।
होता क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी का बात किया जाए, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड या 1664 में बन करके आता है। अगर बात किया जाए 1720 के दशक में पुनर्गठित होने के बाद, 1664 के बाद या फिर से 1720 में अपने आप को रिवाइव कर पाता है। नॉर्मल एक अंतर को समझेंगे, फ्रेंच का जो कंपनी रहता है वह सीधे के सीधे गवर्नमेंट फंडेड रहता है, वह प्राइवेट लोगों का नहीं होता। जो ब्रिटेन का जो जो कंपनी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है वह प्राइवेट मर्चेंट्स का है, और जो भी चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी तो फंडिंग करने के लिए गवर्नमेंट का एक नियम कानून होता है। इसमें लेट होगा, हो सकता है आपको सफिशियंट फंड नहीं मिले, और इसलिए जो फ्रांसीसी जो शक्तियाँ ही जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है उतना मजबूत नहीं हो पाती है जितना मजबूत आपका एक प्राइवेट रन जो आपका जो फैक्ट्रीज है जो मर्चेंट्स के द्वारा रन किया जा रहा है, इतना मजबूत या कभी नहीं हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि एक जहाँ पे प्राइवेट फंडेड है, प्राइवेट फंडेड चीज़ में लोगों का उत्साह रहता है कि जो भी हम करेंगे उसका प्रॉफिट हमको मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट हमको मिलेगा। गवर्नमेंट में आपको चीजें गवर्नमेंट को देना है, फिर गवर्नमेंट से आपको जो धन है वो रीडिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इस माइन्यूट बात को आप समझने का काम करेंगे। कंपनी की स्थापना देखा जाए तो 1664 में हुई थी, 1720 के दशक में पुनर्गठित होने के बाद इसने तेजी से प्रगति की और जल्द ही अंग्रेजी कंपनी के साथ बराबरी करना शुरू किया। शुरुआत इसका बहुत नॉर्मल था, 1720 के बाद में अच्छा कंपटीशन देने का काम करता है। किसको? तो ब्रिटिशर्स को। यह कलकत्ता के पास चंद्रनगर और पूर्वी तट पर पौंडीचेरी में मजबूती से स्थापित हो गया। आपको जहाँ आप ब्रिटिशर्स को देखेंगे तो हुगली में अपने आप को इन्होंने क्या किया है, तो एक स्ट्रांग होल्ड देने का काम किया है। चंद्रनगर आप जैसे ही ध्यान में रखेंगे तो चंद्रनगर जो कलकत्ता के पास में एक जगह है वहाँ पे, और पूर्वी तट पे कहाँ पे, तो पौंडीचेरी में जो स्थितियाँ थी फ्रांस की वह काफ़ी आपको मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो ओवर डिपेंडेंस ऑन द गवर्नमेंट, यही बात हम आपसे पहले भी कर रहे थे कि सरकार पर अत्यधिक निर्भरता थी। किसकी? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो आपको हम बतला चुके हैं कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांसीसी सरकार पर बहुत अधिक निर्भर थी, जो उसे राजकोष, अनुदान, सब्सिडी और ऋण और कई अन्य तरीकों से मदद करती थी। परिणाम स्वरूप इस पर बड़े पैमाने पर सरकार का नियंत्रण था, जिसने 1723 के बाद इसके निदेशकों की नियुक्ति भी की। अब नॉर्मल सा बात यही है कि सरकार का नियंत्रण बहुत ज़्यादा है, कोई एडवेंचरस चीज़ करने के लिए यहाँ के लोग तैयार नहीं होंगे। और कंपेयर किया जाए अगर ब्रिटिशर्स से तो वहाँ पे प्राइवेट लोगों के हाथों में जो चीज़ें थी सो थी। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का कारण क्या होता है, क्या कारण होता है? 1742 ईस्वी में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में युद्ध छिड़ गया। आप ध्यान देखेंगे 1742 में युद्ध कहाँ छिड़ता है, तो यूरोप में। और अगर ठीक है छिड़ गया, युद्ध का एक प्रमुख कारण क्या था? अमेरिका में उपनिवेशों को लेकर के प्रतिद्वंद्वता। अब एक बार जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, आपको वहाँ बताया गया था कि फ्रांस फ्रांस रिवोल्यूशन होने का कारण एक यह भी था कि वह जो है आर्थिक रूप से कमजोर हो गया था। क्यों? क्योंकि अमेरिका का जो 13 कॉलोनीज था उसको छुड़वाने के लिए, जो फ्रांस किससे छुड़वाने के लिए, ब्रिटिशर्स से छुड़वाने के लिए फ्रांसीसी सरकार मदद कर रही थी, और इससे उसको राजकोषीय घाटा होता हुआ दिखाई देगा। तो यही जो अमेरिका भी जो अमेरिका का जो उपनिवेश है उसको प्राप्त करने के लिए उसकी प्रतिद्वंद्वता के कारण जो युद्ध है वह स्टार्ट कब हो जाता है, 1742 में, और स्टार्ट कहाँ होता है, तो यूरोप में स्टार्ट होता है। भारत आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष लगभग 20 साल तक चला, और इसके स्वरूप जो है फाइनली क्या हो जाता है, तो ब्रिटिश सत्ता की यहाँ स्थापना हो जाती है। और अगर आपको देखा जाए फ्रांस जो है यहाँ से धीरे धीरे पतन की ओर चल जाते हैं, फ्रांसीसियों का यहाँ पे पतन होता आपको दिखाई देगा। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट फ्रेंच वार, जो कि 1740 से लेकर के 1748 के बीच में हुआ था। इसमें होता क्या है, प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का ही विस्तार था, जो ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध के कारण हुआ था। वहाँ पे अभी क्या स्थितियाँ बनी हुई है, ऑस्ट्रियाई का जो सक्सेशन का वार था, ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन के कारण में फ्रांस के बीच में और फिर अगर देखा जाए अंग्रेजों के बीच में लड़ाई हो रहा है कहाँ पे, यूरोप में। अब जहां जहां इनकी कॉलोनी रहेगी वहां भी जो है टसल की स्थिति रहेगी, टेंशन की स्थिति रहेगी। वही चीज होती है। इस समय पौंडीचेरी में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल कौन था, तो डुप्लेक्स था, जो कि प्रतिभाशाली था और मतलब अच्छा था, काफी इंपॉर्टेंट एक नेता के रूप में था वहां का। उनके शानदार नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने जवाबी कार्रवाई की और 1746 में मद्रास पर क्या कर लिया है, तो कब्जा कर लिया है। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेक्स और इसका जो ब्रिलियंट और जीनियस और जो इमेजिनेशन वाला जो सोच था, इसके तहत होता क्या है कि 1746 में मद्रास पे कब्जा हो जाता है, किसका, तो आपका फ्रांसीसियों का। सेकेंड अगर हम लोग देखते हैं
ये मेंस पर्सपेक्टिव से चीजें बनाई गई। अगर देखा जाए द बैटल ऑफ सैन थॉम, थॉम की लड़ाई, नवाब अगर देखा जाए कि इसमें होता क्या है, द 10,000 स्ट्रॉन्ग आर्मी ऑफ नवाब क्लैश्ड विथ ए स्मॉल फोर्स कंसिस्टिंग ऑफ 230 यूरोपियंस एंड 700 इंडियन सोल्जर्स ट्रेंड अलोंग वेस्टर्न लाइन एट सेंट थॉम ऑन द बैंक ऑफ द अडियार रिवर, द नवाब वाज, इसमें डिपिक्टेड हो जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। 10,000 नवाब का, कर्नाटक का नवाब का 10,000 जो है बड़ा सेना को सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो 930 सैनिक जो है बहुत बुरी तरीके से हरा देता है अडयार नदी के किनारे में, जगह का नाम होता है सैन थॉम। और इससे पता चल जाता है लोगों को कि इंडिया का जो सेना है भले ही बड़ा क्यों ना हो उसको हराया जा सकता है, किसके दम पे, अनुशासन के दम पे और अच्छा आर्म्स एंड अनुमेशन के दम पे। यह बातें निकाली गई डुप्लेक्स के द्वारा और इस बात का फायदा उठाया गया अंग्रेजों के द्वारा। और इसी ये जो बहुत टर्निंग पॉइंट है जो सैन थॉम का जो युद्ध हुआ था, यह भारतीय सैनिकों की कमजोरी का पोल खोलने वाला युद्ध साबित होता है। सैन थॉम की लड़ाई काफी इंपॉर्टेंट है, 10,000 सैनिक को, मुट्ठी भर सैनिक जो कि अनुशासित थे, जो कि मॉडर्न हथियारों से लैस थे, अब विदेशियों को पता चल गया कि इंडियंस को आसानी से हराया जा सकता है। वो आप याद रखेंगे इस युद्ध को, हमेशा ध्यान में रखेंगे सेंट थॉम जगह को, हमेशा आपको याद रखना है अडयार नदी को। इंड ऑफ द वार, अगर बात किया जाए पहला कर्नाटिक युद्ध 1748 में समाप्त हुआ, जब ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध के निष्कर्ष पर लाने के लिए एक संधि होती है जिसका नाम है एक्सला चैपल की संधि के साथ में, सक्सेशन, ऑस्ट्रियन सक्सेशन का जो वार है, ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन है, जब वो खत्म हो जाता है तो यह आपको संधि होता हुआ दिखाई देगा। और इसके बाद जो इंडिया में भी जो लड़ाई हो रहा है वह भी क्या हो जाता है, तो खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जो मद्रास जीत लिया जाता है किसके द्वारा, फ्रांस के द्वारा, वह वापस कर दिया जाता है किसको, तो अंग्रेजों को, फिर से जो फ्रेंच जो है मद्रास को वापस कर देते हैं। और बदले में क्या होता है, जो उत्तर अमेरिका का कुछ इलाकों है वह इलाके अंग्रेज किसको दे देते हैं, तो फ्रांस को दे देते हैं। तो एक्सला चैपल की संधि के साथ पहला जो है आपका कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया 1748 में। हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है सैन थॉम का युद्ध, जो कि एक पोल खोलने का काम करता है कि एक बहुत बड़ी सेना, एक बहुत बड़ी अनडिसिप्लिन्ड सेना को छोटे से डिसिप्लिन सेना के द्वारा हराया जा सकता है। सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वार 1749 से लेकर 54 तक होता है। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेक्स ने अंग्रेजों को हराने के लिए स्थानीय वंशवादी राजनीति में हस्तक्षेप करने के, भारत के कुछ हिस्सों विशेषकर दक्षिणी भारत में अपनी शक्तियों और प्रभाव को क्या किया, बढ़ाने का फैसला लिया। फिर से डुप्लेक्स फिर से एक आइडिया देता है कि आप चाहें तो जो लोकल गवर्नमेंट है, जो लोकल जो डायनेस्टीज है उसका आप हेल्प भी ले सकते हैं, थोड़ा सा आप लालच दीजिएगा तो भारतीय अपने एक भारतीय दूसरे भारतीय के खिलाफ भी क्या कर सकते हैं, तो लड़ सकते हैं। पहला, भारतीय सेना कमजोर है, इस बात को प्रूफ हो जाता है सेंट थॉमस का युद्ध में। दूसरा, कि आप भारतीयों शक्तियों का यूज भी कर सकते हैं दूसरे शक्तियों को हराने के लिए, यह भी चीजें जो दिखाई जाती है, ठीक है। यह भी जो अगर बात किया जाए इसमें सेंट थॉम का युद्ध का बात किया जाए तो अगर देखा जाता है सेंट थॉम का युद्ध जो आपका है, ये जो पहला, ये जो 1740 से 48 के बीच में ही अगर देखा जाए तो 46 के बाद में 47 के समय में सेंट थॉम का आपको युद्ध होता हुआ दिखाई देगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं, अपॉर्चुनिटी डुप्लेक्स को कुछ अवसर मिलता है, तब मिला जब स्वतंत्र हैदराबाद साम्राज्य के संस्थापक निजामुल मुल्क की, आपको पहले ही बताया गया है, 1748 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तब डुप्लेक्स को वहाँ के जो लोकल शक्तियाँ हैं उससे हाथ मिलाने के लिए इसको एक मौका मिल जाता है। इसके अलावा चंदा साहिब को 1748 में मराठों के द्वारा रिहा कर दिया गया। ये जो कंडीशन है, एक तरफ 1748 में निजामुल मुल्क की मृत्यु हो जाती है और मराठों के द्वारा इसी समय चंदा साहिब को क्या कर दिया जाता है, तो छोड़ दिया जाता है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, वार की समाप्ति कैसी, डुप्लेक्स को फ्रांस वापस बुला लिया गया, उनका स्थान चार्ल्स ने ले लिया। अब क्या है, यहाँ पे रॉबर्ट गोडेहू, जिन्होंने पांडिचेरी की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, संधि के अनुसार अंग्रेजी और फ्रांसीसी को केवल भारत में वाणिज्यिक गतिविधियों में शामिल होना था और उपमहाद्वीप के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना था। एक एक जो है डुप्लेक्स, अब वार का समाप्ति कैसे होता है, क्या होता है वार का समाप्ति में, तो अगर देखा जाए कि
बुला लिया जाता है किसको, डुप्लेक्स को, कि तुम घर आ जाओ, यही बहुत बड़ी गलती होती है, और इसकी जगह चार्ल्स को भेज दिया जाता है। फिर दोनों के बीच में एक ट्रीटी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। इसमें होता क्या है, जो साइन किया जाता है रॉबर्ट गोडेहू के द्वारा, जिसमें बात किया जाता है कि इंडिया में इंग्लिश और फ्रांस जो रहेंगे सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल एक्टिविटीज पे ध्यान देंगे, ना कि सब जो कॉन्टिनेंटल जो पॉलिटिकल अफेयर है उसमें हम लोग क्या रहेंगे, तो दूर रहेंगे। तो क्या होता है ट्रीटी ऑफ पॉन्डिचेरी में, अब आपको पता चल गया। अब हम लोग आते हैं फाइनल 1758 से 63 के बीच में थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार के तहत। इसमें होता क्या है, इन 1756 व्हेन ऑस्ट्रिया वांटेड टू रिगेन सिलेसिया, द 7 ईयर्स ऑफ वार स्टार्टिंग फ्रॉम 1756 टू 1763 बिहन, इसको सप्तवर्षीय वार बोलते हैं। किस कंडीशन में यह शुरू होता है, जब ऑस्ट्रिया जो है सिलेसिया को पुनः प्राप्त करने की कोशिश करता है तो ब्रिटिशर्स के बीच में, हाँ तो ब्रिटिशर्स के बीच में और इंग्लैंड के बीच में क्या हो जाता है, तो फिर से लड़ाई हो जाता है, जिसको हम लोग जानते हैं सप्तवर्षीय वार उसको बोलते हैं हिंदी में। और यही जो 7 साल तक यह वार चलता है 1758 से लेकर के 63 तक, यूरोप में क्यों होता है, क्योंकि जो ऑस्ट्रिया है वह सिलेशिया को जीतना चाहता है, इसलिए यह जो वार है लड़ा जाता है। और थर्ड वार जो है इंडिया भी आपका क्या हो गया, शुरू हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस एक बार फिर से थर्ड वार में इंडिया में भी क्या है, इंडिया में भी क्या है, तो ये जो है होना शुरू हो जाता है। अब हम लोग जानते हैं बैटल ऑफ वांडीवास, थर्ड वार के अंदर में ही एक बैटल है जिसका नाम क्या है, तो बैटल ऑफ वांडीवास। एग्जैक्ट डेट आपको ध्यान में रखना है, 22 जनवरी 1760 को वांडीवास का क्या होता है, तो लड़ाई होता है। वांडीवास लड़ी, वांडीवास एक जगह है जब अंग्रेज जनरल कौन था, आयरकुट था। और अगर बात किया जाए जो 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 डिप्टे किसको हराता है, तो फ्रेंच गवर्नर जिसको नाम, जिसका नाम का काउंट दी लाली, ठीक है, लाली इसका नाम होता है। तो लाली को हराने का काम कौन करता है, तो आयरकूट, कब, 22 जनवरी 1760 को। और एक बहुत डिसेसिव लड़ाई होता है, एक बहुत निर्णायक लड़ाई होता है। अब यहाँ पे फिर से देखा जाए कि ऑस्ट्रिया का जो सिलेसिया को जो जीतने का जो जो इच्छा होती है वह खत्म कैसी होती है, तो पेरिस की संधि से जो 1763 में हो जाता है। इसी टाइप से इंडिया में भी क्या हो जाता है, इस वार का जो है अंत हो जाता है। और साथ ही साथ इंडिया में जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है किसका, फ्रांस का, जो राजनीतिक प्रभाव जो है फ्रांस का, वह भी वांडीवास के युद्ध के बाद। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे एक लेस डुप्लेक्स नहीं है, यहाँ पे कौन है, तो काउंट दी लाली है। वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता है, उतना ज़्यादा चालाक नहीं होता है, उतना अच्छा लीडरशिप क्वालिटी इसके पास में नहीं होता है। और जनरल आयरकुट के द्वारा वांडीवास के लड़ाई में लैली को हरा दिया जाता है। और यही जो स्थितियां होती है, भले ही 1763 में फ्रांस जो है वहां पे पेरिस में दोनों के बीच में संधि हो जाता है, लेकिन भारत में क्या होता है, हमेशा हमेशा के लिए जो फ्रांस की जो शक्तियां है, जो उसका जो राजनीतिक प्रभाव है, वह हमेशा के लिए क्या हो जाता है, तो गायब आपको होता हुआ दिखाई देगा। अगर हम लोग आगे देखते हैं, बैटल ऑफ वांडीवास 1760 में इंग्लिश जनरल सर आयरकुट डिफीट ऑफ काउंट डी लेली टुक बुशी प्रिजनर लॉस ऑफ पॉन्डिचेरी, पॉन्डिचेरी कब हार जाता है, तो 1761 में। ट्रीटी ऑफ पेरिस कब होता है, तो 1763 में। फ्रेंच सेटलमेंट्स इन इंडिया वेयर रिटर्न्ड रिस्ट्रिक्शन फोर्स नॉट, अब इसको फोर्स, अब वांडीवास का लड़ाई का कंसिक्वेंसेस क्या निकलता है, पहला चीज ये है कि जो फ्रेंच सेटलमेंट ऑफ जो इंडिया में है उसको फोर्स किया जाता है कि आप अपने आप को क्या नहीं कीजिएगा, फोर्टिफाइड नहीं कीजिएगा, वांडीवास की लड़ाई के बाद आप अपने आप को किलेबंदी नहीं कीजिएगा, इस बात के लिए जो है इसको प्रेशर दिया जाता है। द मिलिट्री एंड पॉलिटिकल पावर ऑफ फ्रांस इन इंडिया यहाँ पे खत्म हो चुका है। दिस वार इंडेड फ्रेंच पावर एंड इंग्लिश बिकेम द वनली यूरोपियन फोर्स इन द कंट्री। और यह जो वांडीवास का जो लड़ाई होता है, यह काफी एक इंपॉर्टेंट लड़ाई है। सेंट थॉमस का लड़ाई जो है काफी इंपॉर्टेंट लड़ाई है, वांडीवास का लड़ाई है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लड़ाई है। ये सब जो है हमारे हिस्ट्री को, जैसा हम लोग अभी हैं, हिस्ट्री को ऐसा हिस्ट्री बनाने के लिए ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जिसको आपको रटना नहीं है, समझना है कि इस युद्ध का जो परिणाम हुआ उससे हम लोगों के इतिहास पे क्या प्रभाव पड़ता है। और बखूबी आप चीज़ों को अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो आप इसको समझ लिए होंगे आसानी से, इसमें कहीं से भी कोई बात नहीं है। आज का क्लास रहा बस इतना ही, थैंक यू आप मेरे साथ जुड़े हुए थे, ऐसे ही आपको पढ़ते रहना है। और अगर बात किया जाए एनसीईआरटी का जो पढ़ाई है वह लगातार हो रहा है, एनसीईआरटी आधार बैच संस्थान के द्वारा अगर बात किया जाए तो
तो एनसीईआरटी आधार बैच का शुरुआत किया जा रहा है आपके आगामी 12 तारीख से। 12 अप्रैल जो होगा इम्पोर्टेंट डेट है, जिस दिन से एनसीईआरटी आधारित जो बैच है उसको स्टार्ट किया जाएगा। अगर बात किया जाए TRE 3 जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है उसके लिए जो ऐप से भी आप इसको डाउनलोड कर करके ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, वह जो शुरू होने वाला है कल से। कल कितना डेट है? 7 तारीख से। 7 तारीख से जो आपका TRE 3 और 4 भी शुरू हो रहा है। BPSC 17वीं के लिए कल टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कल अगर आप टेस्ट में पास कर जाइएगा, उस टेस्ट के माध्यम से आपको जो है जो मेधा स्कॉलरशिप टेस्ट है उसकी भी डेट कल संडे है, और कल आप आपके संस्थान में आकर के आप एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। और इसके बाद जो है 10 अप्रैल 2024 जो डेट होगा एक्सक्लूसिवली, जो अगर देखा जाए 10 अप्रैल 2024 से जो बैच स्टार्ट होगा BPSC 67 का, सॉरी BPSC 17वीं का एक्सक्लूसिव बैच जो है स्टार्ट होने वाला है कब से? 10 अप्रैल 2024 से। अगर आप कल के एग्जामिनेशन को फेस करके उसमें आप सक्सीड हो जाते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। आप बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से 17वीं BPSC को आप जो है टारगेट कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कल मैक्सिमम स्टूडेंट आकर के मेधा स्कॉलरशिप टेस्ट को जरूर दीजिएगा, और 10 तारीख से जो क्लास स्टार्ट हो रही है BPSC का उसके प्रतिभागी बनिएगा। आधार बैच का टाइमिंग है 12 अप्रैल, TRE का जो टाइमिंग है वह कल से ही स्टार्ट है। आपको यह ऑनलाइन भी मिल सकता है एप्लीकेशन पे। यही सब जानकारी के साथ आज का क्लास कंप्लीट होता है, और पढ़ना है आपको। इसके बाद एक ही चीज बचता है, एक चीज बचता है, वन रीडिंग आपको देने के लिए है। वन जो टारगेटेड और बहुत ज्यादा फोकस्ड रीडिंग आपको देने के लिए इस चैप्टर का, अगर आप दे करके कुछ चंद MCQ बस सॉल्व कर लीजिएगा, आपका जो चीजें हैं क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, इसकी गारंटी है। क्लास को देखो, एक बार जा करके किताब को पढ़िए, इंपॉर्टेंट लाइन को मार्क कीजिए और सीधे कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड MCQ को सॉल्व कर लीजिए। जब टॉपिक कुछ आगे बढ़ जाएगा तो यही सब टॉपिक से हम क्या करेंगे, प्रश्न भी करवाएंगे, बट एक बेसिक समझ काफ़ी ज़्यादा जरूरी है जो बनाने का काम किया जा रहा है। 1857 तक जैसे हम लोग पहुँचेंगे, 57 तक, उसके बाद 2 या 3 दिन में अभी तक का जितना MCQ है वह भी करवा देंगे। सेम चीज अगर बात किया जाए तो लक्ष्मीकांत का 2 बुक आता है, एक बुक आता है उसका थ्योरी बुक, एक उसका बुक आता है जिसमें ऑब्जेक्टिव होता है, वह भी लक्ष्मीकांत के द्वारा ही मतलब जो है बनाया गया है। तो अभी थ्योरी चलेगा, कुछ पोर्शन होने के बाद उसी बुक से हम आपका क्या करवा देंगे, MCQ भी करवा देंगे। क्लासेस के माध्यम से ही, ऑनलाइन माध्यम से ही आप MCQ करके, क्लास करके और थोड़ा सा घर खुद से मेहनत करके आप चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। हमेशा जुड़े 12:30 बजे इस क्लास के साथ में, और आपके लिए अगर यह बेनिफिशियल साबित हो रहा है तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और रोज़ मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।